मिस्टर आशीष सुमाया थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम वेलकम टू दियार एक्सचेंज थैंक यू थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी सर कल बड़ा हिब्बालिक डे था इंडिया में और आज सुबह सुबह यहाँ आने से पहले मैं पढ़ रहा था दैट इंडिया इज नाउ द फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी शेयर मार्केट इन टर्म्स ऑफ मार्केट गैप भी है आई थिंक ये तो होना ही है एंड फोर्थ क्यों मतलब फर्स्ट तो नहीं होगा बट सेकेंड तक तो मुझे दिखता है फर्स्ट तो अमेरिका है वो तो रहेगा hmm. बहुत लंबा फासला है लेकिन अगर हम आगे जाकर के थर्ड और थर्ड के पास सेकेंड हो जाए तो उसमें कोई सरप्राइज नहीं है सरप्राइज़ नहीं है हम जब यहाँ पर आ रहे थे तो रिसर्च कर रहे थे तो उसमें आया फोर पॉइंट थ्री बिलियन डॉलर्स कैसा लगता है सर ये सब इतना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आई मीन फॉर एस दिज नंबर्स आर जस्ट वी इवन कानून दिज नंबर्स नहीं तो देखिए जैसे 4.3 ट्रिलियन अगर लोग बोलते हैं तो फ्रेंकली वो तो पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट की वैल्यू uh, है राइट right? और स्टॉक मार्केट की वैल्यू में हमेशा कंपनियों का इस साल का मुनाफा या अभी का जो प्रोडक्शन है वो नहीं आता है केवल वो नहीं आता है आगे जा कर के उसका फ्यूचर पोटेंशियल है उसका वो सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन तो फ्यूचर पोटेंशियल का है तो अगर हम जब हम चौथे नंबर की इकोनॉमी नहीं है लेकिन हम चौथे नंबर की स्टॉक मार्केट बन चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि लोगों को यहाँ पर बहुत पोटेंशियल दिखता है और जो मैंने भी आपको बोला कि फर्स्ट का तो मुझे नहीं दिखता है लेकिन थर्ड और सेकेंड दिखता है अपने लाइफ टाइम में तो ये भी आने वाले पोटेंशियल का है और आपका जनरेशन आगे जाके क्या करेगा उसका पोटेंशियल वो <laughs> ठीक है एक छोटी सी वीडियो दिखानी है आपको sure. वहाँ से थोड़ी स्टार्ट करते हैं Uh, I only know about little bit mutual funds. so I... you might you are uh, Mutual funds or S I P. Both are same. We, we, you can uh, do S I P on mutual fund. Uh, what comes to your mind when I say mutual? Fund? Uh, that at the end they say no. Mutual funds is uh, something something yeah, something. Yeah. That comes <laughs> the, to the, my mind. The, That's all. What, <laughs> uh, what do you think about when I say mutual fund? Something that we're pushing forward. Okay. Invest young. Okay. Diversifying my investments. Fact. Okay. What do you know about mutual funds? I'm pretty sure you do. <laughs> um, not much. But I do uh, invest like SIP okay. in mutual funds. My dad did something and from my account it deducts some money. Okay. Monthly. I don't know much. Okay. Bangalore Bombay It's a trick question basically. Uh, mm. Uh, और across ages इस, इस वाले में तो हम बॉम्बे में हमें बहुत यंग क्राउड मिला और हम ऐसे ही पूछते हैं म्यूचुअल फंड ऐसा इट्स नॉट टू से किसी को कुछ पता नहीं है बट mm. But, म्यूचुअल फंड सही है बहुत टाइम से चल रहा है सर एब्सोल्युटली सरसोलूटियाँ yeah. तो आपको लगता है कहाँ पर uh, मतलब वी हैव ऑल द मीडियम्स मैं अभी आ रहा था तो ऑल द होर्डिंग्स आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस तो इतने साल हो गए बट वेयर इज आर वी लैकिंग कि ये शायद वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है जहाँ पर पहुँचना चाहिए ये देखिए क्या है लैकिंग की तरफ से मैं नहीं देखूंगा हुँ. दुनिया भर में इंडिया की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फ़ंड से और जो म्यूचुअल फ़ंड है ये आपने जिक्र किया उससे भी एकमात्र दुनिया का रेगुलेटर है और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड एकमात्र दुनिया का म्यूचुअल फ़ंड एसोसिएशन है जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जितना भी कॉर्पस है हुँ. उसका जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट मतलब देखिए म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री का कॉर्पस तो पचास लाख करोड़ है उसका ज़ीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट होता है पाँच सौ करोड़ हुँ. इतना रुपया हर साल खर्च करना ज़रूरी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का अवेयरनेस कि भाई कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करिए चाहे वो इक्विटी हो बॉन्ड्स हो शेयर बाज़ार हो जो भी हो वो पार्टिसिपेट करने का सही ज़रिया है और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए म्यूचुअल फंड एज़ ए व्हीकल को आप इस्तेमाल करिए तो दुनिया में ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए और अवेयरनेस या एजुकेशन के लिए इतना काम करता है दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम कहीं पे होर्डिंग्स लगाएंगे कहीं पे डिजिटल मार्केटिंग करेंगे कहीं पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उसमें सिखाना या एजुकेट करना तीस सेकेंड में या साठ सेकेंड में पॉसिबल नहीं होता है तो उतने समय में अगर आपने करोड़ों लोगों के जहन में ये सीड कर दिया कि म्यूचुअल फंड सही है या आपने सीड कर दिया कि एस कीजिए तो आई थिंक वो एक उतना ही आप कर सकते हो ना टीवी के माध्यम से या डिजिटल मार्केटिंग से आप लोगों को पार्ट तो नहीं पढ़ा सकते हो आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो तो मुझे लग रहा है कि अवेयरनेस जितनी क्रिएट होनी चाहिए जैसे टीयर थ्री सिटीज़ टीयर फोर सिटीज़ ये करोड़ों लोगों का पार्टिसिपेशन लेकिन आप ये सोचिए कि भाई कितने लोग म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कितने लोग यहाँ पे हैं जो कमा रहे हैं टैक्स भर रहे हैं कितने लोग ऐसे हैं जो जिनका पैन कार्ड आधार कार्ड डिजिटल बैंकिंग ये सारी की सारी चीज़ें तो एक तो वो यूनिवर्स हमको देखना चाहिए क्योंकि हमेशा अगर हम जब इंडिया की बात करते हैं तो एक करोड़ लोगों की बात नहीं कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली करेक्ट सर बट वो पॉपुलेशन भी काफ़ी बढ़ गई है ना अभी जिनका बस इंटरनेट है और देखिए सो so उसके बाद क्या आएगा कि भाई इनका लाइफ स्टेज क्या है राइट hmm. right? कितने यंग है मिडिल एज है वर्किंग yeah, एज है मैरिड है अनमैरिड है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वो आएगा तीसरा चीज़ आप ये देखिए कि भाई इंडिया में अभी का जो डेमोग्राफिक्स है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडियंस अभी पंद्रह से पैंतालीस के बीच में हैं करेक्ट तो करोड़ों की तादाद में लोग आज कॉलेज कॉलेज से अपना फर्स्ट जॉब जौ, आ रहा है तो एड्रेसेबल पॉपुलेशन भी काफ़ी बड़ा है mm -hmm. तो एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर कुछ लोगों को पता है कि भाई ठीक है म्यूचुअल फंड क्या है एसआईपी क्या है तो मेरा ऐसा मानना है कि सही वक्त आने पे mm -hmm. जब अंदर से आएगा सही वक्त आएगा तब लोग अपना जरिया निकल ऑन द राइट एब्सोल्युटली वी आर ऑन द राइट ट्रैक क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट तो नहीं हो सकती और प्लस क्या होगा कि जैसे मैं 25 साल का फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख रहा हूँ मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया 1999 में तो मैं मेरा थोड़ा लंबा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो कहाँ पे थे हम 25 साल पहले 10 साल पहले 5 साल पहले और अभी किस तरीके का रफ्तार अडेप्शन का हम देख रहे हैं तो आई एम वेरी पॉजिटिव मुझे ऐसा लग रहा है कि हम राइट ट्रैक पर हैं परफेक्ट तो कभी भी नहीं हो सकता है और दूसरा क्या है कि सामने से भी उतना विलिंगनेस टू लर्न आना चाहिए कोर्स एक उत्सुकता क्रिएट की जा सकती है लेकिन जो ऑडियंस uh, है उनके तरफ से इज इट द राइट राइट स्टेज ऑफ लाइफ उनको क्या सीखना है उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है ये भी मायने रखता है तो सर अगर इसको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में तो म्यूजल फंड सही है बट किसके लिए सही है अगर इस पर हमें बात करनी हो कि अगर एक uh, फर्स्ट टाइम जॉब गोअर है जो uh, एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं और तीन साढ़े तीन लाख साल का पैकेज है पच्चीस तीस हजार कमाते हैं जी इज इट गुड फॉर हिम मतलब किस तरीके से हम डिफाइन करें एक आज एक गिग uh, इकॉनॉमी uh, और एक फर्स्ट टाइम uh, जो आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी ऑलमोस्ट जो एंट्री लेवल है वो सिमिलर है तो क्या हम कह सकते हैं कि ग्रे और ब्लू कलर इकोनॉमी में जो हजार रुपए डेली का कमा रहा है उसके लिए भी म्यूचुअल फंड सही है तो इसको किस तरीके से देखा जाए देखिए क्या है कि हमारे यहाँ पे दरवाजे सारे खुले हैं वो एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूँ पहले क्योंकि आप हर दिन इन्वेस्ट कर सकते हो हर हफ्ते इन्वेस्ट कर सकते हो हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो आप चाहो तो सिस्टमेटिकली मतलब कि भाई हर महीने मेरे अकाउंट से पैसा कट जाए हर हफ़्ते मेरे अकाउंट से पैसा कट जाए या हर तिमाही में मेरे अकाउंट से पैसा कट जाए आप ऐसे सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर सकते हो आपका जब मन करे तब आप स्पोराडिकली लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट सौ रुपया है करेक्ट hmm. तो दरवाजे सबके लिए खुले बॉन्ड बॉन्ड्स में पैसा लगाने वाला फ़ंड है शेयर बाज़ार में लगाने वाला पैसा फ़ंड है गोल्ड में लगाने वाला भी फ़ंड है सारी चीज़ों को मिक्स करके एसेट एलोकेशन करने वाला भी फ़ंड है इंडिया के बाहर लगाने वाले फ़ंड भी हैं तो सब कुछ अवेलेबल है मिनिमम सौ रुपया है अब जैसे चाहे वैसे निवेश कर सकते हो जिस दिन चाहे कर सकते हो कोई रोक टोक नहीं है इसमें लेकिन क्या ये सबके लिए सही है कि नहीं तो वो बोलना तो गलत रहेगा क्योंकि सबके लिए सही है मतलब कुछ लोगों को शेयर बाज़ार में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है कुछ लोगों को पैसा अपने एफ में रखना है तो सबके अपनी अपनी एक रिस्क एक्सपेक्टेशन होती है सबकी अपनी अपनी एक रिस्क टॉलरेंस होती है क्योंकि रिटर्न कितना चाहिए उस रिटर्न को हासिल करने के लिए मैं कितना रिस्क लेने को तैयार हूँ राइट right, बोलने को तो लोग रेस में भी पैसा लगाते हैं मे के करेक्ट वो इन्वेस्टमेंट नहीं है स्पेक्यूलेशन है लेकिन बोलने को तो लोग वो भी करते हैं ना करेक्ट ये सब में बहुत हाँ तो बोलने के लिए तो लोग कुछ भी करते हैं कि भाई मैं अनगिनत रिस्क लेने को तैयार हूँ लेकिन पैसा दो दिन में डबल होना चाहिए ये भी yeah. है तो उसके लिए ये रेलिवेंट नहीं है राइट right, जिसको पैसा बिल्कुल सेफ चाहिए कि भाई कोई भी फ्लक्चुएशन हो ही नहीं मैंने सौ रुपये डाला है तो वो किस रफ्तार से बढ़ेगा वो बात की बात है लेकिन सौ का कभी निन्यानवे नहीं होना चाहिए तो उनके लिए म्यूचुअल फंड सही नहीं है क्योंकि म्यूचुअल फंड में वॉलेटैलिटी होती है राइट सो आई थिंक दैट सब के लिए सही है ये बोलना थोड़ा ज़्यादा एग्जेजरेशन होगा बट आई वुड से नाइन्टी परसेंट लोगों के लिए रेलिवेंट है ऐसा मैं बोलूँगा चलिए सही है नहीं है तो भी रेलिवेंट तो ज़रूर है उनकी स्टेज पर डिपेंड करता है बट रेलीवेंट एब्सोल्यूटली सर आप बोलते हो कि अभी आपने अब, ये देखा कि यूथ ऑफ इंडिया इज मोर फाइनेंशली अवेयर हमारा ओपिनियन है कि ऐसा शायद नहीं है hmm. तो आप ये hmm. किस लेंस से देख रहे हैं मतलब अगर आप देखें तो स्पेंडिंग इज सोशल करेंसी ऑन सोशल मीडिया कि आपने कुछ महंगा खरीदा uh, है या hmm. तो उसको तो हम वी स्टोरीज एंड एंड जितना मतलब ऑफ व्यू माइट बी माई बट जितना से हम इंटरेक्ट करते हैं वहां पे uh,

सोशल मीडिया वर्ल्ड में इसमें भी थोड़ा गैप हो सकता है hmm. क्योंकि मैं प्रोजेक्ट क्या करता हूँ मेरा एक्चुअल सोच क्या है राइट right. right. ये सब में भी थोड़ा सा क्योंकि मैं अपने आप को क्या प्रेजेंट करना चाहता हूँ वर्सेस मुझे क्या सिखाया गया और मेरे बिलीव्स क्या है उसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कोई गलत है आगे आगे जा कर के लाइफ में कंसिस्टेंसी चालीस पैंतालीस पचास के बाद शायद आती होगी बट एनी वे कमिंग टू योर मेन क्वेश्चन देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंस है राइट right? जैसे अगर आपका एक एक्सपेक्टेशन है जैसे आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं करेक्ट आप जिन लोगों को मिलते हैं आप लोगों का जिनसे एक्सपोजर है फर्स्ट कीजिएगा आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लोगों को मिलते हैं फर्स्ट कीजिएगा आप चार्ट अकाउंटेंट्स और एम को मिलते हैं या आप एक चीज़ पे काम कर रहे हैं तो आपका एक एक्सपेक्टेशन बनता है करेक्ट और आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम या एक पर्टिकुलर रेफरेंस से उसको देख रहे हैं कि भाई मैं जो सोचता हूँ मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ उसके मुकाबले क्या हो रहा है माहौल में लेकिन उससे मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हो सकता है करेक्ट क्योंकि मैंने जो देखा है जैसे आई टोल्ड यू मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया नाइनटीन में और मैं अगर अपना खुद का टेस्ट केस लेता हूँ तो मैं तो आया था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एम करने के बाद थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री में किया था फिर पसंद वही पसंद आया वहीं पर मैं काम स्टार्ट कर दिया मैंने लेकिन हकीकत ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा बोला गया था फ़ैमिली के द्वारा कि भाई पहले तो स्टेट बैंक में पी, -पी का अकाउंट खोल दो करेक्ट आ, फिर मेरे किसी सीनियर ने मुझे बताया था तभी टेक्स स्टॉक्स का काफ़ी चल रहा था तो मेरे किसी सीनियर ने बताया था कि फ़लाना फ़लाना स्टॉक ख़रीद लो राइट तो वो स्टॉक में फिर मेरा नुकसान हो गया मेरे को मम्मी के पास से सॉरी बोल के पैसा मांगना पड़ा कि भाई गलत काम हो गया ये राइट फिर काफ़ी साल तक पीपीएफ चला लेकिन दो तीन साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद मुझे तुरंत समझ में आ गया कि भाई जो चीज़ मैं दूसरों को रेकमेंड कर रहा हूँ वो तो मुझे भी करना चाहिए यही बिल्कुल सही तरीका है इन्वेस्ट करने का तो आप सोचिए कि जब मैंने स्टार्ट किया तब क्या एडवाइस दिया जाता था लोगों को और एक मैं आपको माहौल बताता हूँ जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया 25 साल पहले तब स्टेट बैंक का डिपॉजिट रेट 9-10 परसेंट होता था ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है उसका रेट 10 परसेंट के ऊपर होता था आर बी आई बॉन्ड्स इशू करती थी गवर्नमेंट के बिहाफ पे जिसका 11 परसेंट टैक्स फ्री सोचिए गवर्नमेंट अगर 11 परसेंट टैक्स फ्री पे पैसा ले रही है और क्योंकि वो गवर्नमेंट है तो रिस्क फ्री भी है तो कैपिटल मार्केट में तो फिर कौन पैसा लगाएगा इक्विटी में कौन पैसा लगाएगा तब का वो माहौल था अब आप देखिए पच्चीस साल में इंटरेस्ट रेट चेंज हो गए डिजिटाइजेशन हो गया आज के किसी यंगस्टर को आप बोलेंगे बेटा पोस्ट ऑफिस में दस मिलेगा लाइन में खड़े हो जाओ फॉर्म भर लो नहीं करेंगे करेक्ट सो so, तीन चार चीज़ें चेंज हुई जैसे इंग्लिश में एक प्रॉब हैबिट्स चेंज विद जनरेशन तो एक तो ये चेंज हुआ है दूसरा जो डिजिटाइजेशन तीसरा इंटरेस्ट रेट्स आप चाह कर भी अब पैसा बैंक में रखोगे कुछ नहीं बनेगा आपका hmm. तो कंपेयर टू वेयर वी वेयर पाँच साल भी छोड़ो दस साल भी आप देखोगे पाँच साल दस साल भी आप देखोगे मुझे ऐसा लगता है ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है और अभी का आप सही बोल रहे हैं कि अवेयरनेस जितना होना चाहिए शायद उतना नहीं होगा लेकिन इंकरेजिंग चीज क्या है पता है कि जब भी अवेयरनेस बनेगा नेचुरल ड्रिफ्ट कैपिटल मार्केट की तरफ जाएगा हमारे जमाने की तरह फिक्स रिटर्न की तरफ नहीं जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले फाइनेंशियल अवेयरनेस आती भी लेट थी और आती भी जब थी तो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाती थी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अवेयरनेस चलो जब भी आती हो बट आई थिंक द ड्रिफ्ट इज टोवर्ड्स कैपिटल मार्केट्स ये एक बड़ा चेंज है सो अगेन ऑन द राइट ट्रैक वी आर आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक देखिए बाय द टाइम यू कम टू माय एज कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है ये आप समझ जाएंगे ठीक है एक और बहुत नेरेटिव यूज़ किया जाता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंट ऑफ इंडिया इंडिया इज अ वेरी यंग कंट्री Hmm. तो कहीं पे आ, तो इंडिया की पॉपुलेशन को बोलते हैं कि 140 करोड़ लोग हैं ये प्रॉब्लम ऐसे जल्दी से सॉल्व हो जाएगी इट्स यूज्ड एज एन एक्सक्यूज बट इन लॉट ऑफ प्लेसेस वी आर नाउ सेइंग कि वी आर द दंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ बिल्कुल अब बहुत सारे इसके नेरेटिव uh, uh, आते हैं कि इज दिस अ गुड थिंग तीस साल के बाद इट माइट बिकम अ बैड थिंग एंड एवरी बट फ्रॉम फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू हाउ डू यू लुक एट इट एंड कैन यू गिव अ रेफरेंस ऑफ इंडिया वर्सेज से When it comes to the age of other countries. तो एक्चुअली क्या है कि दुनिया में आप एक चीज़ लुकेरिड इन फंडामेंटल भी ठीक है हम लोग अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन फंडामेंटली अगर आप एक कंट्री एज ए यूनिट लेंगे ना तो एक चीज़ आप समझिए कि भाई जो भी इन्वेस्टमेंट करता है चाहे हम करते हैं चाहे बाहर वाले करते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है इन्वेस्टमेंट किस लिए किया जाता है रिटर्न मिलेंगे इसलिए राइट और आप ये भी समझ सकते हैं कि रिटर्न्स तभी मिल सकते हैं अगर अंडरलाइंग जो एसेट है उसमें ग्रोथ होगा तो ही रिटर्न मिलेगा करेक्ट अगर कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा तभी उसकी मार्केट कैप या शेयर की वैल्यू बढ़ेगी राइट जब बैंक में पैसा रखते हैं बैंक हमको इंटरेस्ट देता है इसीलिए हम उसमें करते हैं तो इन्वेस्टमेंट हमेशा ग्रोथ के लिए किया जाता है ये बात क्लियर है अब क्या है कि इन्वेस्टमेंट होगा कहाँ पर तो अगर आप कंट्रीज़ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं तो एक कंट्री एज अ यूनिट जो है जैसे मैं इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट नहीं हूँ जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़े या एम वगैरह किए हैं वो लोग आपको और कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं लेकिन हमारे फिलहाल के डिस्कशन के लिए इतना काफ़ी है समझना कि भाई एट ए कंट्री लेवल जो इन्वेस्टमेंट होता है ना वो पॉपुलेशन और पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी का ही कोई ना कोई फंक्शन होगा ओके okay. कितने लोग हैं कितना उत्पादन करते हैं राइट hmm. right? अब आप सोचिए कि प्रोडक्टिविटी में सबसे बड़ा योगदान कौन से फैक्टर का है जो पॉपुलेशन है उसकी एज का करेक्ट क्योंकि आप बोल रहे थे दूसरे कंट्रीज़ से अगर कंपैरिजन करेंगे तो आज दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी दुनिया में सबसे रिचेस्ट कंट्रीज़ है या जो दुनिया के आर्थिक व्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान देती है वो सब कंट्रीज़ का प्रॉब्लम यह है कि दे आर बिकमिंग ओल्ड राइट अगर आप देखते हैं जापान साउथ कोरिया ताइवान यूरोप राइट इवन चाइना नाव डेज जैसे चाइना का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जब मैं स्कूल में था तो ऐसा बोला जाता था कि भाई चाइना में हमारा तो देखो जैसा आपने बताया पॉपुलेशन बेलगाम बढ़ रहा है और हमारा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही पॉपुलेशन है और कम कंपेरिज़न किया जाता है कि चाइना को देखो वन चाइल्ड पॉलिसी है hmm. तो वैसे मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि मेरे घर में मैं दूसरा था yeah. बट ठीक है तभी हमारे यहाँ पे भी टीवी में चलता था हम दो हमारे दो तो मुझे लगा ठीक है भाई उतना hmm. वैलिड है कोई प्रॉब्लम नहीं है बट कुल मिला के अभी मैं आपको एक फ़नी चीज़ पूछता हूँ एक इंसान पैदा करने के लिए कम से कम कितने इंसान चाहिए आप बताओ मेरे को तो दो चाहिए ना तो अगर आप चालीस पचास साल तक हर दो को बोल दोगे कि तुम्हारा एक ही हो सकता है तो क्या होगा पॉपुलेशन का करेक्ट आप समझ सकते हैं कि वो बिल्कुल ही hmm. नैरो होने लगेगा अब दुनिया भर का हिस्ट्री ये बताता है कि कंट्री की प्रोडक्टिविटी तब होती है जब उसका पॉपुलेशन जो है ना जैसे आप बच्चे देखिए मिडिल एज वाले देखिए या वर्किंग एज वाले देखिए और फिर बुज़ुर्ग देखे hmm. थोड़े समय पहले इंडिया का पूरा पॉपुलेशन ऐसा था पिरामिड जहाँ पे लगातार और केवल वन चाइल्ड पॉलिसी की बात नहीं है जो कंट्रीज बहुत रिच हो जाती है बहुत एजुकेटेड हो जाती है ना फिर उनके बच्चे इतने पैदा नहीं होते राइट right. जैसे आप देखिए कि बहुत ज़माने पहले लोगों के आठ आठ दस दस बच्चे होते थे कौन सा वाला काम और होगा पता नहीं है तो hmm. सब काम पे है अभी ऐसा नहीं है अभी लोगों का इंडिया में भी देखो शहरों में एक बच्चा है भले वो आई स्कूल में जाएगा मार मार के उसी से कराएंगे लेकिन होगा एक करेक्ट तो क्या होता है कि जब एज बढ़ती है प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है एजुकेशन बढ़ता है तब बच्चे कम होने लगते हैं hmm. तो कुल मिला के वर्ल्ड की हिस्ट्री ये बताती है कि किसी भी कंट्री की मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी तभी आती है जब उसका पॉपुलेशन एक डायमंड या इस तरीके के एक झोपड़े के जैसा बनता है तब हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं करेक्ट इसमें एक्सेप्शन एक ही है जहाँ पे पचास साल तेजी चल रही है एक्सेप्शन एक ही है अमेरिका है वो आपके भाई बंधु दोस्त और कजिन्स की वजह से है कि उनका <laughs> दुनिया भर का आई आई लेकर के इतना ब्रिलियंट लेवल का इमिग्रेशन कराते हैं वो लोग कि वो लोग हमेशा रिच एंड मिडिल एज पे है तो कंट्रीज़ को ऐसा क्लासिफाई करते हैं जैसे जापान है ओल्ड एंड रिच अब चाइना के लोगों को चिंता है कि भाई मिडिल क्लास है और रिच होने से पहले ही ओल्ड हो जाएगा अभी हम लोग जो है ये यंग एंड लोअर मिडिल क्लास है और ऐसे लोगों को उम्मीद है कि अगला जो कंट्री है जो मिडिल इनकम और एज एंड होपफुली ओल्ड एंड रिच हो सकता है वो हम लोग हैं hmm. तो इसीलिए इतना एक्साइटमेंट है यहाँ पे और यही डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हो रही है तो देर इज वैल्यू इन दिन देर इज़ वैल्यू इन द नैरेटिव और एक्साइटमेंट इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए पिछले पाँच साल से हमारे कंट्री में जो काम हो रहा है ना पॉपुलेशन तो है हमारे पास उसके प्रॉब्लम्स भी हैं फिर जैसे पूरा का पूरा ये हमारा पेमेंट सिस्टम आधार जनधन पूरा जैम ट्रिनिटी सारी की सारी चीज़ें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए की जा रही है दैट इज वॉट इज एक्साइटिंग देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड होना एक बात है अगर आप सही काम नहीं करोगे वो लाइबिलिटी बन जाएगा hmm. लेकिन अगर उसके साथ ही साथ जब वेन योर डेमोग्राफी इज कमिंग ऑफ एज तभी आप अगर प्रोडक्टिविटी एनहैंस करने के लिए भी काम कर रहे हो तो शायद इसके बेटर रिजल्ट या कम से कम राइट रिजल्ट आपको मिलने के चांसेस बढ़ते हैं करेक्ट आई थिंक शायद आपको लग रहा होगा हर चीज़ में भी यही बोल रहा हूँ आर ऑन द राइट कोर्स बट इसमें भी आपको अमेरिका एग्जाम्पल दिया अमेरिका जो है वो उनको ओल्ड होने का रिस्क हमेशा कम रहता है बिकॉज वो लोग बहुत ही साइंटिफिकली इमिग्रेशन को इनक्रेज करते हैं hmm. और ये चाइना जापान वगैरह का मैंने क्या, आपको एग्ज़ैम्पल दिया ना वहाँ पर कोई इमिग्रेट करने को तैयार hmm. नहीं है यार राइट right? अभी इंडिया का भी टू सी और सर इसी से हम फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी का नैरेटिव जोड़ सकते हैं कि आपका क्या व्यू है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि नहीं हो पाएगा इस परसेंटेज ग्रोथ से नहीं हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा सब वैना I... नहीं, नहीं का वो होएगा उसी का डिबेट करना चाहिए नहीं होगा वो तो इम्पॉसिबल है पक्का होएगा मतलब रोकना नामुमकिन है उस तरीके का सिनारी है अगर ठीक करेंगे तो दो तीन साल ठीक करेंगे तो एक पर्टिकुलर रफ्तार से होना चाहिए ठीक से नहीं करोगे तो टाइम लगेगा राइट और जैसे हमारे यहाँ पे किसी ने बोला फाइव ट्रिलियन होगा फलाना फलाना साल तक फाइव ट्रिलियन होगा तो बड़ा वाद विवाद छिड़ गया कि मतलब कैसे ऐसे कैसे बोल रहे हो कैसे वो मुझे बहुत फ़नी लगा क्योंकि दूसरे किसी का तो होने ही नहीं वाला है मतलब अच्छा किसी और कंट्री का किसी क्योंकि भाई जब एक आदमी रेस दौड़ रहा है तो आप कितना टाइमिंग देखोगे ना उसका मतलब <laughs> यू एक्सपेक्ट के रीजनेबल टाइम में कंप्लीट कर लेगा उसमें फर्स्ट कौन आया सेकंड कौन आया उस पर टाइमर लगा दो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है वो बियड पॉइंट रेलिवेंट नहीं है देखिए क्या है हमारे दुनिया भर के लोगों का हमारे पे नज़रें क्यों लगी हुई है क्योंकि भाई अगला पाँच ट्रिलियन वाला यही है और पाँच से दस दस से पंद्रह जा सकता है आने वाले दशकों में वो हमारा ही है ना क्योंकि हमारे पीछे अफ्रीका है लेकिन अफ्रीका क्योंकि एज प्रोफाइल और डेमोग्राफी की बात हो रही है तो हमारे बाद अफ्रीका है लेकिन हम समझ सकते हो कि अफ्रीका एक कंट्री नहीं है पचास कंट्री है और उसके अंदर उनका जो भी सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल है एजुकेशन लेवल है स्टार्टिंग पॉइंट जो है उनका वो हमारे से बहुत ही अलग है तो आई थिंक दैट पाँच ट्रिलियन तो होगा कितनी रफ्तार से होगा वो भी हमारे ऊपर है हमारे एग्जीक्यूशन के ऊपर है एंड उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए हाँ क्योंकि देखिए क्या है हम लोग लिटरल स्पीकिंग मैं तो इकोनॉमिक्स में या पॉलिटिक्स में हूँ नहीं हम लोग तो मार्केट में है राइट तो मार्केट में तो हमको यही देखना है कि हमारे निवेशकों का पैसा कैसे बनेगा राइट अभी चार ट्रिलियन से पाँच ट्रिलियन होगा तो कौन से सेक्टर्स हैं जब तक पाँच ट्रिलियन होने वाला है तब तक हमको चिंता नहीं है तब तक अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे राइट कुछ और लोग हो सकते हैं जिनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिबेट करना कि भाई दो 27 में होगा या सत्ताईस में होगा हमारे लिए लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है सर की बात करते हैं मतलब अगर वहाँ तक पहुँचना है तो कौन से सेक्टर है और थोड़ा सा ब्रॉडर टाइम फ्रेम बताना कि पहले सेक्टर्स का क्या था अभी कैसा चल रहा है आगे वाले चलो दस साल के अंदर वॉट आर द सेक्टर्स दैट यू थिंक आर्थिक व्यवस्था जी ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं राइट लेगे राइट एकदम बेसिक लेवल पे देखें तो लोग पर कैपिटा इनकम बोलते हैं करेक्ट पर कैपिटा इनकम में अगर आप देखोगे पंद्रह साल पहले आई थिंक टू थाउजेंड सेवन एट इंडिया का पर कैपिटा इनकम था केवल हज़ार डॉलर हमेशा इसको डॉलर में नापते हैं उन लोग का हज़ार डॉलर था और ऐसा माना जाता है कि भाई हज़ार डॉलर मतलब पुअर कंट्री है और पुअर कंट्री बोलने का मतलब क्या है कि भाई अगर पर कैपिटा इनकम हज़ार डॉलर की है तो आप समझ सकते हो कि भाई आठ सौ नौ सौ डॉलर या सारा का सारा पैसा करीब करीब रोटी कपड़ा मकान में ही एंड निकल जाता है और अगर सबका सारा पैसा रोटी कपड़ा मकान में निकल जाता है तो फिर वो क्या ही मतलब खाएगा पहनेगा और क्या ही अपना फ्यूचर का प्लानिंग करेगा राइट पिछले पंद्रह सोलह साल में हम लोग हज़ार डॉलर से ढाई हजार डॉलर पर कैपिटल इनकम पे पहुँचे तो जिसको हम लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं और अगर आप कैपिटल मार्केट के नज़रिए से देखें तो है ना आगे का मैं आपको कितना भी बताऊँ कितना भी हम लोग सिनेरियो बिल्डिंग कर ले कितना भी इमेजिनेशन कर ले बहुत मुश्किल है hmm. लेकिन अगर मैं आपको पास्ट का दिखाऊँगा तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आगे कितना चेंज हो सकता है करेक्ट एंड बेस्ट तरीका होता है ना किसी भी कंट्री में कितना चेंज हुआ वो देखने का बेस्ट तरीका होता है आप टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट्स देखो और याद करो करेक्ट okay. तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ समझोगे 20 साल पहले जब ये डेंटल प्रोडक्ट्स हैं कोलगेट डाबर वगैरह आपको याद है इनके एडवर्टाइजमेंट में क्या आता था बीस साल पहले तो मैं आपको हिंट देता हूँ एक आई डोंट नो आप तब स्कूल में थे कॉलेज में थे या हाफ ट में थे पता नहीं अच्छा <laughs> आप ईयर बताओ लेट अर्ली ओके तो तभी आता था एक ऐड आती थी उसमें बंदा पूछता है अरे राजू तुम्हारे दांत तो मोती हो जैसे चमक रहे हैं hmm. तो बंदा बोलता है क्यों ना हो मास्टर जी मैं डाबर का लाल दंत मंजन इस्तेमाल करता हूँ समझा आपको hmm. तो बीस साल पहले हमारे देश में जब डेंटल प्रोडक्ट्स का ऐड आता था तो बोलते थे कि भैया दंत ये अपना कोयला और दातुन मत इस्तेमाल करो कम से कम दंत मंजन तो इस्तेमाल करो तो अभी पुराना बात छोड़ दो आप लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट जो आता है डेंटल प्रोडक्ट्स का उसमें क्या बोला जाता है तो डॉक्टर टूथपेस्ट पे तो वो तो आपने आइकॉनिक लाइन बोल दिया लेकिन लेटेस्ट ये है कि भाई अगर शाम को आपने डेजर्ट्स खाए मिठाई खाई है तो कृपया ब्रश दूसरी बार करना चाहिए करेक्ट तो आप देखो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है बीस साल पहले लोगों को बोलना पड़ता था मेहरबानी करके टूथपेस्ट यूज करो तातून कोयला छोड़ो अभी हम क्या बोल रहे हैं सब लोग यार आप इमेजिन कर सकते हो ना कि भाई सब लोग टूथपेस्ट तो यूज़ कर रहे होंगे इसीलिए तो बेचारा बोल रहा है कि भाई मेहरबानी करके दो बार यूज़ करो समझ गए वरना हमारा प्रॉफिट ई और मार्केट का कैसे बढ़ेगा करेक्ट ये बात है ना फिर आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ बीस साल पहले जब टेलीविजन में बिस्किट का ऐड आता था, था ना तो ग्लूकोज बिस्किट का ऐड आता था अभी आप देखिए कुकीज़ वगैरह का बीस साल पहले जब एडवर्टाइजमेंट आता था ना कार का तो मिस्टर शाहरुख खान आते थे उसमें सेंट्रोजिंग बेचने के लिए वो गाड़ी होती थी तीन लाख की आज भी लोग तीन लाख की गाड़ी खरीदते हैं तीन लाख की गाड़ी का एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है एडवर्टाइजमेंट तो तीस लाख की और पच्चीस लाख की गाड़ी का आता है जैसे महिंद्रा वगैरह का आता है करेक्ट तो आप समझ सकते हैं कि जब हम एक पुअर कंट्री से लोअर मिडिल क्लास बने ना तो वो एक एवरेज चेंज है hmm. लेकिन इतने बड़े देश में जब एक एवरेज चेंज होता है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग अपर मिडिल क्लास और एफ्लुएंट में आ गए हैं okay. मैक्सिमम चेंज हो चुका है जैसे मैं आपको एग्जांपल देता एग्जाम्पल बोलते हैं कि छः करोड़ लोग कहीं मेरा पड़ता कि छः करोड़ लोगों के मार्जिन अकाउंट में दस हज़ार का बैलेंस है जो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं पूरे के पूरे यूनाइटेड किंगडम में छः करोड़ लोग हैं करेक्ट जैसे हम बोलते हैं चार करोड़ लोगों का एस चल रहा है वह पूरे ऑस्ट्रेलिया में दो करोड़ लोग हैं करेक्ट तो आप समझ सकते हैं कि भाई वो लोग लो रिच है लेकिन हमारे यहाँ पे उससे पॉपुलेशन से ज़्यादा म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट वाले लोग हैं दूसरा चीज़ जब हम गरीबी से लोअर मिडिल क्लास आए हैं और जब ये एवरेज में तो एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिख दिखना है अब आप कैपिटल मार्केट के ऊपर वापस आते हैं पिछले पाँच साल में आप सोच के बताओ सबसे ज़्यादा आई कौन से कंपनीज के आए हैं राइट तो आई एल हेल्प यू एपरल्स फूटवेयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स फूड प्रोडक्ट्स मतलब सेव भुजिया बनाने वाला पोटैटो चिप्स बनाने वाला पेप्सी का प्लांट चलाने वाला रेस्टोरेंट्स यू नो योर बर्गर किंग ऑल दो काइंड ऑफ गाइस देन म्यूचुअल फंड्स एसेट मैनेजमेंट ब्रोकिंग कंपनीज रजिस्ट्रार डिपॉजिटरी स्टॉक एक्सचेंज ये सब हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स डायग्नोस्टिक्स ये सब तो ये पिछले पाँच साल में क्यों आया पंद्रह साल पहले या बीस साल पहले क्यों नहीं आई डोंट थिंक ये दिस कंपनीज हैव बीन सेट अप इन लास्ट फाइव ईयर्स बीन सेट अप फॉर लाइक टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ईयर्स पिछले पाँच साल में आया? क्यों आया क्योंकि आई तभी आता है जब एक कंट्री का जब एक कंपनी का एक मटीरियल क्रिटिकल मासिक भाई भाई फ्यू थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू होगा दो पाँच सौ करोड़ का प्रॉफिट या प्रॉफिट का अनुमान होगा तभी तो आएगी ना लिस्टिंग में तो ये सारे की सारी हाउ डिड दे बिकम रेलिवेंट स्केल ओनली इन लास्ट फाइव ईयर्स तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लास्ट थिंग जो मैं आपको बोलूँगा इस क्वेश्चन पे कि ऐसा वर्ल्ड ओवर में क्या है कि हम पहली कंट्री तो है नहीं ना जो मिडिल क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं तो दुनिया का रिसर्च ये बताता है कि जब एक दुनिया के जब एक देश के लोग मिडिल क्लास की तरफ बढ़ते हैं इनकी टॉप प्रायोरिटी होती है टू लुक बेटर टू लिव बेटर एंड टू प्लान फॉर द फ्यूचर जैसे हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस अब बीस साल से पहले बोलते यार बहुत ज़्यादा लोग इंश्योरेंस लेते नहीं है जो लेते हैं वो भी पता नहीं इन्वेस्टमेंट समझ के लेते हैं तो भाई ऐसा है कि जहाँ पे ज़्यादातर लोगों को कल की रोटी कहाँ से आएगी पता नहीं है इंश्योरेंस कैसे लेगा हो जिसको पता ही नहीं है मेरा अगला साल कैसा जाएगा वो कैसा ही भी करेगा लेकिन अभी एक क्रिटिकल मास ऑफ पीपल है जिनको अपना फ्यूचर दिख रहा है और आगे जाके ऐसे और लोग आएंगे जिनका भी चेंज होगा हम भी बहुत सर्वे करते हैं सर इंश्योरेंस पे सॉरी टू कटिंग हाँ बिल्कुल uh, तो हमने इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसमें मंथली इंश्योरेंस आप पे कर सकते हो तो जब लोगों से बात करते थे तो वो ये सोच रहा है कि मैं कल को हज़ार रुपये कैसे कमा लो और उसको मैं बोल रहा हूँ कि आप छः हज़ार रुपये आठ हज़ार रुपये साल का दे दो फॉर समथिंग विच माइट हैपन टू यू और uh, uh, हमारे को ऐसे फीड वो आता था uh, फीडबैक कि अगर नहीं हुआ तो पैसे वेस्ट हो तो जाएंगे अब उस मतलब उस पॉपुलेशन को उसको माइंड चेंज करना कि आपको इंश्योरेंस चाहिए राइट right? और एड्स के तो सर मतलब मैं तो इसके अंदर हूँ मतलब <laughs> पहले घर गाड़ी की भी ऐड जो थी या फिर हमारे घरों में भी गाड़ी होना दिस वॉज राइट कि हम गाड़ी ले रहे हैं अब फीचर्स फीचर्स से बात होती है या थ्री स्टार फोर स्टार सेफ्टी रेटिंग लेंगे सो दैट्स अ वेरी बिग चेंज बिकॉज दे डोंट लुक एट

आई हैव बीन इन टू मोबिलिटी इंडस्ट्री तो जैसे ग्रीन एनर्जी और ई वी और ये इंडस्ट्री है आउटलुक ना देट माइट बी वेरी स्मॉल एज एन कंपेयर टू दी ओवरऑल मार्केट के एट बट ऐसे कौन सेक्टर्स हैं जो आपको सो uh, एक्चुअली so, जो मैंने आपको टूथपेस्ट बिस्किट वगैरह का ऐड दिया ना वो है कंज्यूमर स्टेपल्स तो मेरे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया कि भाई कंज्यूमर स्टेपल्स जो है इसका काफ़ी स्प्रेड हो गया है और ये एक मेचोरिटी के लेवल की तरफ बढ़ रहा है तो कंज्यूमर स्टेपल्स में क्या है कि रीच के बजाय प्रीमियमाइजेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाएगा सो बाई डिस्क्रिशनरी वोट आई मीन वही कि भाई अगर ढाई हज़ार डॉलर की पर कैपिटा इनकम पाँच हज़ार हो जाती है तो डेफिनेटली रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी लोगों के पास बहुत पैसा बचेगा इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि टू लिव बेटर टू लुक बेटर एंड टू प्लान फॉर फ्यूचर तो उससे मेरा बोलने का तात्पर्य यही था कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पन जहाँ पे भी है जैसे फूटवेयर अपैरल्स रिटेलिंग राइट कंज्यूमर टेक करेक्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स ये सब जो सेगमेंट्स है ना इसमें आप देखें बहुत ज़्यादा स्प्रेड आएगा और अभी भी अगर आप uh, कभी समझो बनारस चले गए कभी आप झारखंड चले गए सम ऑफ दिस प्लेसेस यहाँ पे रिटेलिंग के ऐसे ऐसे चेन्स हैं जो मुझे पता है अभी लिस्ट होने वाले बाकी है राइट जैसे हमें हमारे यहाँ पर अगर आप रिटेलिंग की बात करेंगे तो लोग एवेन्यू सुपर की बात करते हैं या आदित्य बिरला फैशनस वगैरह की बात करते हैं देर डिफरेंट सेगमेंट्स बट इनकी बात होती है राइट आगे जा के ऐसे अलग ही कंपनीज़ आपको दिखेंगी करेक्ट सो दैट इज़ वन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन दूसरा अगर आप देखोगे तो जो मेरे पर कैपिटा के जुड़े हुए बात कर रहा हूँ इसलिए मुझे लगता है पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे हमारे यहाँ पर एक प्रेज़स है कि हम लोग फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो लोगों को बैंक दे रहा है बैंक के बाद एन लेकिन एक्चुअली बैंक और एन को साइड में रख के जो फाइनेंशियल सर्विसेज है ना आपका इंडस्ट्री है हमारा इंडस्ट्री है इंश्योरेंस है ये सब में ज़्यादा ग्रोथ होगा थर्ड अगर आप देखते हैं तो जो मैंने पहले बात किया था कि भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो काम कर रही है तो सारा का सारा अगर आप देखेंगे यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी होगा चाहे वो गवर्नमेंट ड्राइव करती है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से आता है चाहे बाहर से आता है इन्वेस्टमेंट काफ़ी होगा तो उसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसमें भी उससे जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं वो भी बिकॉज़ क्या है कि अगर हमको मेरा तो ऐसा है, मानना है कि अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नहीं बन सकते तो भी बाहर वाले हमको मार मार के बना देंगे क्यों क्योंकि क्यों, उनका इंटरेस्ट यहाँ पे है क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर फोर्स और सबसे बड़ा लेबर फोर्स जहाँ पे है वहां पे लोगों को इन्वेस्ट करने का तो यही इंटरेस्ट रहेगा लार्ज कैप येगाप में तो चैलेंज भी है मार्केट कंस्ट्रक्शन का देखिए एक चीज मैं आपको बोलता हूँ जो आपने शायद नहीं सुनी होगी या लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा इसके ऊपर बहुत लॉजिकल है मैं बोलूँगा फिर आपको लगे अरे तो बहुत लॉजिकल है आपको पता है कि कोई भी इंडेक्स हो बैंकिंग हो फार्मा हो बड़ा इंडेक्स हो फाइव हंड्रेड फिफ्टी इंडेक्स को बीट करने के लिए इंडेक्स से कुछ अलग करना पड़ेगा तो आप इंडेक्स से इंडेक्स या अंडरलाइन बेंचमार्क से कुछ अलग कैसे करोगे जब उसमें हाइट्रोजेनाइटी होगी या कुछ अलग अलग होगा डिफ्रेंसिएशन तब करोगे ना तो लार्ज कैप इंडेक्स में क्या होता है पता है लार्ज कैप इंडेक्स में स्टील कंपनीज है ऑयल कंपनीज़ है अभी स्टील कंपनीज़ एंड ऑयल कंपनीज़ है जैसे फॉर एग्जाम्पल दे मूव इन टैंडम कौन सा चूज़ करने से अल्फा आएगा चलेगा तो सब चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा तो आप ये रेलवेज़ देख रहे हैं पी एस यूज देख रहे हैं राइट एक पर्टिकुलर कॉम्रोमरेट के स्टॉक्स देख रहे हैं राइट तो जहाँ पे हैट्रोजेनाइटी नहीं है ना वहाँ पे अल्फा जनरेट करना बहुत मुश्किल है दैट यू शुड कीप इन माइंड तो बट इंडिया में हाइड्रोजेनाइटी अभी भी बहुत है आप फार्मास्यूटिकल और केमिकल का सेक्टर देखिए आप फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का सेक्टर देखिए आप हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर देखिए और इंडिया का तो काफ़ी सारा मार्केट काफ़ी सारी इंडिया की इकोनॉमी अब तक मार्केट में आई नहीं है मैं ऑन ऑल नोट आपको बता दूँ मैं पढ़ रहा था अमेरिका में इस साल शायद स्पेसक्स का आई आए आएगा डेढ़ बिलियन डॉलर का तो अमेरिका में आई आ रहा है स्पेस का इलॉन मस्क साहब की कंपनी का हमारे यहाँ पे सेव सेवजे और जूते चप्पल बनाने वाले का गाय था हमारा रेवोल्यूशन बहुत कम है तो आप बोल रहे हो अभी बहुत आना बाकी है बहुत आना मतलब इंडेक्स में मार्केट कैसे कैप्चर होएगा जब मार्केट में आर्थिक व्यवस्था ही कैप्चर नहीं है लॉन्ग वे टू गो केवल ये है कि जो मैं आपको पता हाउ वी आर डिफरेंट ये हमारा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन ज्यादा साइंटिफिक है दूसरी चीज स्टॉक पिकिंग के जो प्रोसेस है जस्ट टू कीप इट सिंगल उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ अभी लेकिन स्टॉक पिकिंग का जो प्रोसेस है वो भी डिफरेंट है वैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं जैसे मैं आपको बता दूँ कि जितने लोग भी फाइनेंस में उनको जा व जानते हैं कि आगे जाके कंपनी का ई पैट वगैरह का वैल्यूएशन होता है हम लोग फ्री कैश फ्लो का करते हैं और फ्री कैश फ्लो भी कैसा आ अपॉर्चुनिटी कास्ट निकालने के बाद जो एक्सेस फ्री कैश फ्लो बन रहा है केवल उसी का वैलुएशन होना चाहिए फिर तीसरा चीज़ जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारी रिसर्च कवरेज सबसे ज़्यादा है एक बड़ी से बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी तीन सौ कंपनी साढ़े तीन सौ कंपनी पंद्रह एनालिस्ट उतना कवरेज होता है हम लोगों का केवल इंडिया को कवर करने का पैंतीस छत्तीस एनालिस्ट है फंड मैनेजर डीलर फिक्सड इनकम आप हटा दीजिए इंडिया को कवर करने के लिए पैंतीस से छत्तीस एनालिस्ट है जो सात से ज़्यादा कंपनियों का ऑन ग्राउंड रिसर्च खुद करते हैं तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे अपना डिफ्रेंसीशन और परफॉर्मेंस बिल्ड करने के लिए एंड आई थिंक वेयर वी विल बी डिफरेंट विल बी कंसिस्टेंसी हमेशा कोई ना कोई नंबर वन अपने आगे रहेगा hmm. जो नंबर वन है वो फिर पीछे भी जाएगा अपने को कंसिस्टेंट रहना एक और चीज है hmm. so, is, uh, about, so, मुझे okay? क्या लगता है कि पीएसयू को जितने भी हमारे आपको भी मैं बोलूंगा कि पीएस यू आप सेक्टर के तौर पर मत देखिए देखिये पीएस यू बिकॉज क्या है इट्स नॉट ए सेक्टर इट्स जस्ट ए टाइप ऑफ ओनरशिप और इसको एक साथ लम्प किया जाता है क्योंकि लोगों को लगता है कि जितने भी गवर्नमेंट ओनरशिप वाले वो सेम है लेकिन पी के अंदर आप देखें कुछ एरियाज ऑफ बिजनेस है जो मोनोपोलिस्टिक है कुछ है जो कमोडिटी ड्रिवन है जैसे ये तेल वगैरह का है तेल स्टील वगैरह का है तो जो तेल और स्टील और वो सब है वो ग्लोबल साइकिल के साथ चलेगा जो मोनोपोलिस्टिक है वो उस सेक्टर में गवर्नमेंट क्या काम कर रही है उसके ऊपर चलेगा राइट तीसरा चीज य है कि पी एस यूज़ का जो फॉर्च्यून चेंज हुआ है क्योंकि पहले लोगों का लगता था कि भाई तो गवर्नमेंट पी एस यू चला ही नहीं सकती है या कब बेचेगी तब उसमें रैली आती थी hmm. अभी पिछले थोड़े समय में क्या हुआ है कि गवर्नमेंट डिज इन्वेस्टमेंट तो मेरे ख्याल में एयर इंडिया के सिवाए तो खास कुछ किया नहीं है या तो अपॉर्चुनिस्टिकली जहाँ पे वैल्यू अच्छी मिल रही है वहाँ पर गवर्नमेंट ने थोड़ा पैसा रेज कर लिया बट पूरे पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन तो कोई ख़ास किया नहीं है अभी पिछले थोड़े समय में इतनी तेज़ी क्यों है क्योंकि गवर्नमेंट पी एस यूज़ को निवेश करने का इन्वेस्टमेंट करने का टूल या साधन बना के उसको चला रही है तो अगर वेल well डिरेक्टेड है और अच्छा ऑपरेट कर रहे हैं तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि सब प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए ऐसा एक बोलते हैं लोग कि भाई द गवर्नमेंट शुड बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट इज़ नॉट टू रन बिजनेस वो तब तक सीमित है जब तक आप होटल जैसे फाइव स्टार होटल गवर्नमेंट को क्यों चलाना है वैलिड क्वेश्चन है राइट वो बात सही है सर बट ये तो गवर्नमेंट का इंडनेटिव था ऐसा नहीं है कि लोगों ने बनाया ना बट इज बात होती है कि जैसे आपने दिस इन्वेस्टमेंट वन सेक्टर बा, बात करी तो वो तो ये था कि बहुत सारे और होने थे हाँ बट हुए नहीं हाँ सो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो स्ट्रेटेजिक देखिए जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवेज है जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है ना उसमें तो यार गवर्नमेंट नहीं करेगा तो कोई और भी शायद ना करे नहीं। नहीं। तो फिर तो कुछ सेक्टर्स में मेरा बोलने का मतलब मैंने होटल का एग्जाम्पल इसलिए बोलने का मतलब ये था कि भाई कुछ सेक्टर्स में तो गवर्नमेंट का रहना बनता है और उसको अगर वो लोग एफिशियंटली ऑपरेट करें इन्वेस्टमेंट उसके थ्रू लगाए और उस पर रिटर्न भी जनरेट करके दिखाएँ तो चलेगा वो लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का रहना जैसे सर्विस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का रहना बियॉन्ड अ पॉइंट ओरिएंटेशन नहीं है इंसेंटिव अलाइन नहीं है दैट इज़ द डिफरेंस तो चलेगा आई थिंक पी एस सेक्टर को सेक्टर की तरफ से मत देखिए आप उसको देखिए कौन से इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हो उसमें भी अच्छी कंपनियाँ होंगी उसको चुन के निकालेंगे दैट विल भी बेटर बहुत सारे बहुत सारे मैसेज आते हैं पी एस यून फायर और बहुत सारे फोर हंड्रेड परसेंट वन फोर्टी दो चीज़ें मैं बोलूँगा जहाँ पे बहुत अति हो जाती है बहुत तेजी हो जाती है ना उससे दूर रहना चाहिए <laughs> और दूसरा किसी भी चीज़ को जनरलाइज भी नहीं करना चाहिए yeah. कि भाई ये पूरा पी एस यू ऐसा नहीं है <laughs> क्योंकि उनके बाद सीधे देखिए दो तीन चीज़ें कर दी एक तो उनका पॉपुलेशन दूसरा उनका पॉलिटिक्स तीसरा जो अभी कोविड के बाद का जो भी हुआ है चौथा जो, जो भी जियो है तो इसकी वजह से तो एक बैकग्राउंड में चेंज है तो लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे उसमें लोग बोलते हैं वियतनाम लेकिन क्या है कि देखिए वियतनाम इज़ लाइक चाइना जैसे हमारे यहाँ पे काफ़ी चाइनीज़ बिजनेसेस दे आर नॉट वेलकम तो वो वियतनाम ही जाएंगे दे आर ईजीली बट जो ग्लोबल है एवेंसीज़ हैं ट्रांस नैशनल कंपनीज़ है डॉट ऑफ देम वुड लाइक टू तो बी इन इंडिया और क्या है कि अभी हम एक ओपन कंट्री है hmm? हम हर तरीके के एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो इसमें हमको ओपन अपना मैन्युफैक्चरिंग जो है इसको ओपन करना पड़ेगा कर रहे हैं हम लेकिन अगर हम एक एक पर्टिकुलर रफ्तार से नहीं भी करते हैं तो भी बाहर का इन्फ्लुएंस इस तरीके से आएगा कि हमको करना पड़ेगा आ, करना पड़ेगा सर इसी से ही जुड़ के अगर इंडिया स्टैक की बात करें बिकॉज ये फाइनेंशियल सर्विसेज उसी के ऊपर बन रही हैं तो आपने बात करी जनधन और इसकी सो वट डू थिंक इज हैपनिंग दैट ये भी पिछले पाँच सात साल में ही हो रहा है और इसके ऊपर और क्या क्या बनने वाला है अभी आगे मतलब हुआ क्या है प्ले मैन को समझाना है बिकॉज बहुत सारा चलता है भारत स्टैक और ये करते हुआ क्या है अल्टीमेटली सी एक्चुअली क्या है इसका बहुत सारे तरीक़ों से ये जुड़ा हुआ है इट्स इंटरकनेक्टेड और इसके इम्पैक्ट जो है वो अनलिमिटेड अनगिनत इम्पैक्ट है जैसे अगर मैं एक सिंपल चीज़ बोलूँ कि करेक्श करप्शन है देखिए हमारे जैसा कंट्री है जहाँ पे हम बोलते हैं हम लोअर मिडिल क्लास है एक करोड़ से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कमाने के तरीके या जिनके पास राइट एजुकेशन या जो भी हमारा गवर्नेंस फ्रेमवर्क है वो उनकी पूरी की पूरी बेनिफिट किसी भी कारण से या तो वंचित है या तो ये लोग डिज़वान्टेज है तो पहली बात तो क्या है कि भाई ये सब्सिडीज़ और ये सब चीज़ों के ऊपर वाद विवाद बहुत होता है मेरे को लगता है वो सब यूज़लेस वाद विवाद है इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाई जाए सी जैसे ये कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट ये सब बात होता है लेकिन दुनिया में सबको पता है कि कोई परफेक्ट सोल्यूशन इसका है नहीं है हर चीज़ का आपको कुछ कुछ बोरो करके मिक्स एंड मैच करके ही चलना पड़ता है वरना दुनिया सिक्लिकल क्यों होती एक ज़माने में सब कुछ सोशलिस्ट था फिर कैपिटलिस्ट बना अब फिर से कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का थोड़ा बैलेंस और फिर से राइट right विंग तो ये सब चीज़ें सिक्लिकल है क्योंकि कुछ चीज़ों का फ़ायदा होता है फिर वो ओवर डन हो जाती है फिर उसको रिबैलेंस करना पड़ता है तो आई एम नॉट फॉर एनी हार्ड डेफिशन ऑफ एनी थिंग आई थिंक वन हैज़ टू बी फ्लैक्सिबल तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जैसे आप बताइए कि ये सब्सिडीज़ वगैरह पहुँचनी है इतने सारे लोगों को राइट right? तो so, उसका एक इफेक्टिव मेकानिज़म होना चाहिए ना बोला हर बंदे का एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए उस आइडेंटिफिकेशन से जुड़ा हुआ कि भाई यू आर अ सिटीज़न ऑफ इंडिया ये आपका आइडेंटिफिकेशन है अब उस आइडेंटिफिकेशन के साथ मैंने आपका बैंक अकाउंट जोड़ दिया तो so, इफ़ेक्टिवली आपको मिलेगा वरना आप मिडल मैन के भरोसे पे हैं राइट right? तो एक तो मुझे लगता है सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होती है तो भाई अगर आपका आइडेंटिफिकेशन है आपका बैंक अकाउंट है तभी तो आपके पास ये सब पहुँचाएगा वरना क्या करेंगे हम कैश कैसे कैश थोड़ी पहुँचाएँगे आप करेक्ट देन आपने उसके साथ मोबाइल फ़ोन जोड़ दिया तो उसके साथ पूरी आइडेंटिफिकेशन टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ये सारी चीज़ें आ गई आप कैपिटल मार्केट से जुड़ सकते हो करेक्ट तो जब डेमोग्राफी चेंज हो रही है तभी एक्जैक्टली exactly हमने ये इम्प्लीमेंट किया तो इसीलिए वरना तो आप सोचिए कि भाई यहाँ पे हर महीने मिलियंस ऑफ एस रजिस्टर हो रही है मिलियंस ऑफ ब्रोकिंग अकाउंट्स खुल रहे हैं ये तो यार पेपर वर्क के ज़माने में तो पॉसिबल ही नहीं है सर मैंने बुलवाया था दो हज़ार ग्यारह में डीमेंट हाँ दो तो, में बहुत साइन करे थे हाँ साइन साइन ये मेरे टाइम की बात कर रहा हूँ उससे पहले तो पता नहीं क्या ही होता था अब तो आप लोगों ने सब पूरा पेपरलेस कर रही है उसको तो आपकी इंडस्ट्री फिनटेक इंडस्ट्री इसमें सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी और सबसे बड़ा लीडर है फिर उसको फॉलो करते हुए ब्रोकिंग इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो आई थिंक दैट हर एक का मुझे ऐसा लगता है कि हर एक को डिजिटल फ्रेमवर्क पे कनेक्ट करना ये आई थिंक इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है इसी से पूरा डेवलपमेंट हो सकता है वरना तो आप कैसे फिजिकल वर्ल्ड में यू वुड हैव लार्ज पार्ट ऑफ योर पॉपुलेशन विच वॉज इन अ डिसडवाटेज पोजिशन और उसको पहुँचने का देर इज़ नो वे टू रीच दैम फिर आप उसके हजार बहाने कर लो राइट सो आई थिंक क्या है कि एग्जीक्यूशन और रीच इसके लिए इसका सबसे बड़ा योगदान है सर इसका सबसे ज़्यादा आपने भी शायद ये एक्सपीरियंस किया होगा अगर कोई आपका दोस्त चार पाँच साल के बाद यूएस या कहीं से आता है द सरप्राइज दैट दैट पर्सन गेट्स कि हम कहीं ड्राइव पे गए और कहीं भी खोखे पे जाके इफ़ यूर टू बाय चाय यू पे थ्रू यू पी आई एपसोलूटा जोक चल रहा था कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई इन इंडिया द पर्सन विद द मैक्सिमम ऑफ कैश इन कैश तो तो सोई एक्चुअली डिजिटली बैंकिंग ये सब कनेक्ट करने से कितनी सुविधा हो गई जैसे मैंने देखा यू एस वगैरह में वो लोग वॉलेट तक आके रुक गए हैं hmm. राइट वो ठीक है वॉलेट है अब हमारे यहाँ पे भी वॉलेट था अब देखिए वी हैव रीच टू स्टेप्स फर्दर मतलब अगर आपके पास मेरा या मेरे पास आपका मोबाइल नंबर है तो आई कैन ट्रांसफ़र मनी टू यू वो भी बैंक टू बैग होगा ऐसे नहीं कि भाई केवल वॉलेट में जाके hmm. आ, रुक जाएगा सो so, ये सब चीज़ें बिना यू नो you know, पूरे जो डिजिटल स्टैक है उसके बिना तो हो ही नहीं सकता है और इसके साथ साथ जो फिजिकल इंफ्रा बन रहा है मतलब उससे भी बहुत सेम uh, थिंग uh, मैं अभी लंडन में था एक महीना एंड आई एंड आई रोड दैट देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द हाईवेज़ ऑफ यू के एन इंडिया टोडेटलीके हैं हमारे सर एक और नैरेटिव है अब ये थोड़ा टर्की है इट कि चौदह से पहले कुछ नहीं था और उसके बाद कुछ हो mm -hmm. अब ये हो सकता है कि राइट टाइमिंग है डिजिटाइजेशन इंटरनेट पलिट्रेशन एंड एवरी थिंग बट इसके अंदर पोलिटिकल भी जुड़ जाता है बट नॉट जस्ट फाइनेंस या कैपिटल मार्केट एनी थिंग यू से कि दो से पहले कुछ नहीं होता था अब हो रहा है बट वेन इट कम्स टू एक्चुअल नंबर और डेटा Uh, तो इसमें क्या वो है अगर हमें कंपेयर करना हो 2014 से 24 का डेकेड वर्सेस पिछला डेकेड सो एक्चुअली ना क्योंकि जैसे समझो मैं चौबीस पच्चीस साल से स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ hmm. और मेरा लर्निंग क्या है कि स्टॉक मार्केट जो है बहुत ब्रूटल जगह है ब्रूटल hmm. इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट का कोई फेवरेट पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी है नहीं एक्चुअली hmm. क्योंकि मैंने देखा है अपने पूरे टाइम uh, पीरियड में कि uh, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ 2004 में एक पार्टी हार गई जिसका एक्सपेक्टेड था कि वो पार्टी जीत जाएगी नुँ। नुँ। तो वो लोग हार गए तो जब वो हार गए तो मार्केट 20 परसेंट डाउन हो गया लेकिन फिर कुछ इकोनॉमी के आंकड़े ग्लोबल इकोनॉमी कुछ कुछ चलने लगा तो आने वाले आठ सालों में आने वाले पाँच सालों में मार्केट ने कमाल कर दिया नु। फिर मार्केट ये चाहता था कि भाई इनकी कंटिन्यूटी बनी रहे राइट तो उनकी कंटिन्यूटी आई और और अलग तरीके से मतलब यू नो जैसे जब 2004 में करेक्ट 2004 में ऐसे आ, क्या कहते हैं गठबंधन के साथ आया था कि मार्केट बहुत नेगेटिवली लिया और उसको 20 परसेंट डाउन हो गया और उसी गठबंधन वाली सरकार में मार्केट ने कमाल कर दिया करेक्ट उसके बाद आप सोचिए कि गठबंधन भी नहीं जो फेवरेट पार्टी थी मार्केट की वो जीत करके आई लेकिन आने वाले तीन चार सालों में मार्केट में कुछ नहीं हुआ बिल्कुल कुछ नहीं हुआ राइट वेरी बैड परफॉर्मेंस मार्केट का 2009 से लेकर के 12 तेरह तक का तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है करें कि मार्केट का हाँ मतलब मार्केट का एक समय पे कुछ फेवरेट हो सकता है लेकिन अल्टीमेटली मार्केट एग्जीक्यूशन देखता है राइट right? जैसे 2014 में फिर एक गवर्नमेंट आई तो मार्केट में बहुत एक्साइटमेंट था लेकिन कोविड तो बाद में आया लेकिन दो से लेकर दो हज़ार तक एक बार तेजी आई कभी मंदी आई फिर कुछ फिर कुछ फिर कोविड में तो पिटाई हो गई राइट तो मार्केट का एक समय पे एक फेवरेट हो सकता है लेकिन अल्टीमेटली मार्केट में एग्जीक्यूशन दिखना चाहिए मतलब और एग्जीक्यूशन भी कैसा कि भाई आर्थिक व्यवस्था में जो होता है वो आपके कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस में दिखना चाहिए और कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस में जो होता है वो आपको इन्वेस्टर के डीमेट और अकाउंट स्टेटमेंट तक पहुँचना चाहिए तो मार्केट में अल्टीमेटली वही मैटर करता है Uh, 2014 के बाद से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि एग्जीक्यूशन बहुत इम्प्रूव हुआ है स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है, है. देखिए एक बोलना एक चीज़ है एग्जीक्यूट करना दूसरा चीज़ है एग्जीक्यूशन में कहीं खो जाना वो अपने आप में अलग ही चीज़ है बट एक थिंग डेफिनेटली ये है कि एग्जीक्यूशन बहुत ड्रामेटिकली इम्प्रूव हुआ है और एग्जीक्यूशन विद आउटकम ओरिएंटेशन इम्प्रूव हुआ है और इसी की वजह से हम लोग को मार्केट में उसका असर देखने को मिल रहा है और क्योंकि मैं वाइटो में जैसे काम करता हूँ तो हम लोग का बिगर बिज़नेस ये है कि फॉरेनर्स का पैसा मैनेज किया जाए वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एफ इन इंडिया तो इस वेंटेज पॉइंट की वजह से फॉरेनर्स से भी इंटरेक्शन करने का काफ़ी मौका मिलता है तो ये केवल हमारी बिलीफ नहीं है कि एग्जीक्यूशन और आउटकम ओरिएंटेशन इम्प्रूव है इवन बाहर वाले भी ये महसूस करते हैं और साथ में आपने जो बोला वो कि भाई जो डेमोग्राफिक चेंज और टाइमिंग है वो भी हाँ और बाहर का जियो है ये सारी तो एग्जीक्यूशन आउटकम ओरिएंटेशन और वातावरण और मौके का फ़ायदा उठाना जो अपॉर्चुनिस्टिक है आई थिंक ये तीनों चीज़ों में डिफरेंस है एक्चुअली फिर सेक्टर में एक और चीज़ है टी टू तो टी थ्री डाउन में मैं बात करता हूँ जब तो बताएगी तो यार यू का टाइम तो गया है ना अब वो बहुत अलग रीजन है मैं आपसे फाइनेंशली वाली बात करूँगा कि आ, मतलब इमेज भी ऐसी ऐसी, ऐसी बना रखी है कि ऐसे ऐसे टैंक नीचे जा रहा है यूएस तो का तो समाधियाँ बना रखी है कि दिस इज दोल मिस्थिंग इंडिया का टाइम है अमृतकाल है वो अलग मंद है दूसरा है कि अब पावर जो है वो यू एस एंड चाइना नहीं है वो इंडिया का है और यूएस का तो गया अभी ठीक है तो उसको बहुत अलग अलग तरीके से लोग उसको घुमाते रहते हैं वेन इट कम्स टू द मार्केट रेट वेयर डू इजैंड एंड इज यू एस ऑन द डिक्लाइन अगर लेमैन भाषा में थोड़ा समझाना है इसको डिमंग सो so, पहले मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको इंडिया के आर्थिक व्यवस्था में और आर्थिक व्यवस्था के बढ़त में अगर इंटरेस्ट है ना तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इंडिया का भी होलिस्टिक ग्रोथ समझो सात परसेंट आठ परसेंट या इवन नौ परसेंट इंडिया का भी होलिस्टिक ग्रोथ तभी आता है जब वर्ल्ड की इकोनॉमी में भी तेज़ी हो क्योंकि हमारे कुछ सेक्टर्स कुछ कंपनीज ऐसे हैं जिनके लिए बाहर का माहौल भी इम्पोर्टेंट है तो ये एक मानना या ये कहना कि भाई हम तो केवल डोमेस्टिक है इन्वर्ट लुकिंग है वो गलत रहेगा अगर हम केवल डोमेस्टिक और इन्वर्ट लुकिंग रहेंगे तो हमारा ये पाँच छः ग्रोथ आएगा लेकिन अगर हमको आठ नौ ग्रोथ चाहिए तो बाहर का माहौल हमको ठीक चाहिए करेक्ट तो ये एक चीज़ है नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन अमेरिका के बारे में आई डोंट थिंक अमेरिका सी अमेरिका का जो पॉलिटिक्स है कौन प्रेजिडेंट है वो क्या बोल रहा है उस पर अपने अपने व्यूज़ लोगों को हो सकते हैं लेकिन अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था ख़त्म हो गई बर्बाद हो गई ये तो मैं नहीं मानता हूँ क्योंकि दुनिया का इट इज़ दी मेक्का ऑफ ऑल न्यू इन्वेंशन और यू नो ऑल न्यू इन्वेंशंस ऑल टेक्नोलॉजीज़ बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन करेक्ट आप देखिए जैसे वो मूवी आई थी अभी वो ओपन हाइमर सॉरी यार उस में यू रिम्बर इट्स टॉकिंग अबाउट दी फोर्टीज़ एंड ही वो कुछ नया ईजाद करता है तो उसको किस तरीके का ग्रांट मिलता है गवर्नमेंट से करेक्ट उसको कुछ ड्यू थिंक हीज़ टू वरी कि भाई मेरे को कॉलेज में जा कर लेक्चर देना है कल की मेरी तनख्वाह कहाँ से आएगी तो ये तब की बात है ये सब वहाँ पर हर चीज़ का ईजाद इसी लिए होता है क्योंकि इस तर इस तरीके से इस कदर से वो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और वो भी भाई नेटिव अमेरिकन नहीं था वो भी वहाँ पे yeah. बाहर से आया हुआ hmm. बंदा था तो दुनिया के बेस्ट लोगों का इमिग्रेशन हमारे यहाँ से सारे आई आई राइट बेस्ट लोगों का इमिग्रेशन बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन आर डी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जब तक वो सब इनका सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है तब तक उनको कोई आ, हरा नहीं सकता है सेकेंडली Uh, उनका ऑल सैड एंड डन हर जगह पे आर्मी नेवी एयरफोर्स नहीं आता है लेकिन है उनका वो पावर इट इज़ द दंगेस्ट इन दी वर्ल्ड किसी ने मीम भेजा था किसी ने मज़ाक किया था कि इफ़ यू थिंक द डॉलर इज नॉट बैक बाय एनी थिंग देन यू शुड नो इट इज बैक बाय यू नो अमेरिकन यू नो पावर तो आई डोंट थिंक दैट इज में अगर बात करें तो वर्ल्ड में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया तो वर्ल्ड का जी जो है समझोगे वर्ल्ड का जी डी ट्रिलियन डॉलर 105 ट्रिलियन डॉलर में हमारा योगदान 4 ट्रिलियन चाइना होगा अठारह उन्नीस ट्रिलियन तो अमेरिका 25 ट्रिलियन के आसपास है मतलब वन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी और 35 फाइव टू फोर्टी परसेंट ऑफ़ द वर्ल्ड्स मार्केट कैप जैसा हमने बात किया अभी हमने हांगकॉन्ग को ओवरटेक किया हमारा चार ट्रिलियन सवा चार ट्रिलियन का मार्केट कैप है अमेरिका का लेटेस्ट नहीं पता पैंतालीस ट्रिलियन के आसपास होएगा करेक्ट <clears throat> तो आई डोंट थिंक अमेरिका का इकोनॉमी डिक्लाइन में आएगा मतलब अगर अमेरिका का इकोनॉमी डिक्लाइन में आएगा तो हम सबको सोचना पड़ेगा कि <laughs> हमको करना क्या है फिर खेती बाड़ी कर सकते हैं शायद यू मैचिंग कपल ऑफ टाइम्स की आई टी आई एम इन टैलेंट इन डू यू थिंक इट्स रिड्यूसिंग नाउ द ब्रेन ड्रेन इज रिवर्सिंगसो आपकी बातों बातों में एक्सटेंट See, क्या होता है कि अवेलेबिलिटी बायस होता है मतलब अगर सौ में से एक दो आदमी भी आएगा वापस और वो एक प्रोमिनेंट पोजिशन पे होगा तो उसका एग्जाम्पल सब बना लेंगे दे कल आई वॉज टू समय टी बॉम्बे इन द नाइनटीज अर्ली नाइनटीज ही नहीं तो वो मेरे साथ भी था मेरे भी इंजीनियरिंग कॉलेज के सारे क्लासमेट्स आगे पढ़ने चले गए फिर वहीं सेटल हो गए केमिकल इंडस्ट्री वगैरह में लेकिन बेस इफ़ेक्ट देखिए आप अभी अभी पास कितने लोग हो रहे हैं और कितने लोग कॉलेज से निकल रहे हैं तो एब्सोल्यूट नंबर में तो घटौती नहीं होगी मुझे नहीं लग रहा है लेट्स लुक एट इट दिस वे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बढ़ गई है लेकिन सप्लाई भी बढ़ गई है और वहाँ पर क्या है कि जो बेस्ट लोगों के लिए इमिग्रेशन ओपन डोर्स है ओपन डोर्स एग्जैजेशन बट है बेस्ट लोगों के लिए और वहाँ पे सुविधाएं जो लोगों को मिलेगी इफ़ यू लेट से फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू डू रिसर्च यू नो इफ़ यू वांट टू बी इन सिलिकॉन वैली फॉर एग्जांपल तो हमेशा ये मिक्स्ड रहेगा मतलब इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहे हैं अपॉर्चुनिटीज भी इम्प्रूव हो रही है लेकिन अमेरिका इज अमेरिका इट विल बी दैट वे सर थोड़ा स्कैम्स की बात करते हैं एक ये भी है कि स्टॉक मार्केट तो गैम्बल है आपने भी बोला कि उस टाइम पर ज़्यादा था बट अभी भी लगता है तो और इसका रीज़न ये भी है कि हम मे बी यू है एरा ऑफ स्कैम इन स्टॉक मार्केट ना सो देखिए पहले क्या था अगर आप देखेंगे तो स्कैम करने का uh, देखिए ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में स्कैम हुआ है hmm. Hmm. अर्ली टू थाउजेंड्स की आप बात करें तो बड़े से बड़े स्कैम अमेरिका में जैसे वर्ल्ड कॉम एन रॉन एन जो भी है करेक्ट uh, फिर अभी देखिए बर्नी मैडोफ़ का भी उसका भी ओ में आया था अमेरिका का फिर आप ये पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय जो भी उन्होंने लैक ऑफ रेगुलेशन एक्सेसव स्पेक्यूलेशन तो क्या है कि होता तो हर जगह पे है इंडिया में अगर आप देखेंगे तो पिछले 25-30 साल में जब वो हर्षद मेहता स्कैम हुआ फॉर एग्जांपल तब तो सेबी भी, भी नई थी या मो, मोटा मोटी आप समझ लो नई थी फॉर्मेटिव स्टेजेस में थी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड करेक्ट तो क्या होता है कि जब एक फर्म रेगुलेटर नहीं है तो कौन सी चीज किसके जूरिस्डिक्शन में पड़ती है वही नहीं पता है तो क्यों होता है कभी कभी कि एक रेगुलेटर को लगता है कि ये इसके जिम्मे आता है दूसरे रेगुलेटर को लगता है कि ये मेरा काम तो है ही नहीं दिस काइंड ऑफ थिंग कैन हैपन जैसे थोड़े समय पहले यहाँ पे वाद विवाद था कि भाई चिट फंड किसके रेगुलेशन में आते हैं करेक्ट तो मुझे क्या लगता है कि पिछले तीस साल में रेगुलेशन तो बहुत ही चेंज हो गया है और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे सेबी है तो हम लोग तो वर्ल्ड ओवर कंपेयर करते हैं और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की भी बात करेंगे लेकिन म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज से हमारे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेशन में मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि कई सारे रेगुलेटेड कंट्रीज से आगे हैं हम लोग यू विल बी सरप्राइज टू नो वी आर अहेड इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन एंड और एक शायद थोड़ा डिविएशन होगा बट आपको मैं बोलता हूँ कि पिछले पाँच साल में जो दुनिया भर में लोग निवेश करते हैं ना इनका सबसे बड़ा लर्निंग क्या है पता है जैसे मैंने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन का बात किया उसी को जुड़ा हुआ बात है दुनिया में सबसे सब बड़ा लर्निंग क्या है कि भाई पूंजीवादी होने के लिए कैपिटलिस्ट होने के लिए जनतंत्र होना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेटिक दे, होना बहुत ज़रूरी है ये चाइना टर्की रशिया ये सब जगहों से लोगों का देखिए लोगों को क्या लगता है कि इंडिया में ग्रोथ आ रहा है डेमोग्राफी आ रहा है वो केवल वो एक कारण नहीं है hmm. मेजर कारण क्या है कि भाई ये ग्रोथ देखिए आर्थिक व्यवस्था का ग्रोथ कंपनियों के पीएनएल तक पहुंचे उसके लिए एक वातावरण और एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कंपनी के पी से मेरे अकाउंट तक पहुँचे उसके लिए एक रेगुलेशन और इंटरमीडियरीज और उनका एक कंडक्ट होना तो ये डायरेक्शन हो गया बट पिछले तेईस साल में हम लोग का रेगुलेशन बहुत ड्रामेटिकली चेंज हुआ है राइट तो क्या है कि इसी की वजह से आपको पिछले बीस साल में आफ्टर जैसे केतन पारेक वगैरह का हुआ था 2001 थाउजेंड में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को कॉर्नर कर लेना गलत स्टॉक्स को चलाना अभी भी क्या है कि समझो कोई गलत कंपनी है इलिक्विड कंपनी है उसको कुछ लोग मिल के उसके शेयर प्राइसेस को रिक कर सकते हैं लेकिन उसी तरीके से कंसर्टेड पे स्कैम हो जाए राइट तो आप देखिए मार्केट में जब भी रेगुलेटर के ऑर्डर्स और एक्शन आप फॉलो करते हैं तो कुछ नई नई चीजें अपने को देखने मिलती है लेकिन हर्षद मेहता केतन पारे वापस नहीं देखने को सुनने को अभी क्या है कि जैसे आपने देखा थोड़ा समय पहले इंसाइडर ट्रेडिंग या फ्रंट रनिंग के रिलेटेड न्यूज़ आ रही थी तो मैं आपको कह सकता हूँ कि भाई पाँच दस पंद्रह बीस साल पहले भी फ्रंट रनिंग मतलब पाँच दस पंद्रह बीस साल पहले कितने बड़े बड़े स्कैम हो गए तो फ्रंट रनिंग तो क्या ही चीज़ है मतलब छोटी चीज़ होती होगी तभी अभी आप देखिए टेक्नोलॉजी इतना चेंज हो गया है कि समझिए कि हमारा फंड कुछ ट्रेड कर रहा है और कोई अनरिलेटेड बंदा फ़ंड के न्यूज़ पे ट्रेड कर रहा है अन रिलेटेड तो भी जो रेगुलेटर और स्टॉक मार्केट्स के जो सर्वेलेंस मेकेानिज़म है ना वो उसका को रिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी ये कर रहा है तभी भी वो हुँ. उसका रिलेटेड या कॉन्ट्रा ट्रेड हो रहा है तो आई थिंक सर्वेलेंस मेकेानिज़म्स टेक्नोलॉजी का यूज एक्सचेंजेस का जो काम करने का तरीका रेगुलेशन फ्रेमवर्क ये बहुत चेंज हो गया है तो उस स्केल लिए डिजिटल लेरा में स्कैम स्कैम प्रूफ हो चुके हाँ वह तब से देखिए ह्यूमन बीइंग्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन हो रहे हैं तो नया तरीका निकालेंगे तो वो आपके हमारे डिस्कशन में अभी नहीं आएगा क्योंकि हमको पता नहीं कौन क्या नया तरीका निकालने का लेकिन बड़े पैमाने पर लैक ऑफ रेगुलेशन या लैक ऑफ सर्वेलेंस की वजह से कुछ करके निकल जाना वो लुक्स लुक्स नॉट लाइक नॉट पॉसिबल और डाउटफुल कागे और आ, इसका जो छोटा मतलब कमिंग वन लेवल नीचे जो द न्यू रोल ऑफ फिन फाइनेंस इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुंसर जो सोशल मीडिया तो उसको मैं स्कैम पर नहीं बोलूँगा बट एक उनका रोल है और बट एक मिससेलिंग भी होती है कहीं ना नहीं हाउ डज योर इंडस्ट्री और यू लुक एट दिस न्यू एज मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन इट कम्स टू फाइनेंस देखिए ये, ये लोगों का इतना रीच है और इतने लोगों लोग मार्केट में जोड़े हैं तो कुछ तो ये लोग ने बेटर किया रहेगा हमारे से जो हमको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए सोचना चाहिए कि कुछ तो इन्होंने रिले रिलेटेबल रिलेटेबल या पैलेटल कम्युनिकेशन ज़रूर किया होगा जिसकी वजह से इनका इतना रीच बन गया अब इनके इसके पीछे के मोटिवेशंस क्या है वो हर बंदे के अलग मोटिवेशन है जैसे आई नो वन फाइनेंशियल इन्फ्लुंसर रूज अ सी एम बी ए हाईली क्वालिफाइड नोज़ एवरी एंड यू नो ही विल से द राइट थिंग्स करेक्ट लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनका इनसे दस गुना रीच हो सकता है लेकिन वो उनका मोटिवेशन अलग है शायद यार जस्ट फॉर for आई बॉल्स भी किया जा सकता है तो फायदे बहुत हैं लेकिन क्या है कि जब अगर इसको रेगुलेट ही नहीं करेंगे इसके ऊपर कोई oversight ही नहीं होगा कोई कायदे कानूनी नहीं होगा तो फिर गलत मोटिवेशन वाला बंदा भी उसमें पहुँच जाएगा जैसे वो बहुत बेटरीमेंटल है जो बताते हैं लोग कि हम आपको ट्रेडिंग का एक्सपर्ट बना देंगे फिर आपका रोलपति बन जाओगे दोज़ आर वेरी वेरी बहुत डेंजरस

वो आई थिंक दैट इज़ दी नेगेटिव फॉलो आउट ऑफ इट और दैट इज दी डेंजरस पार्ट ऑफ इट करेक्ट जनरलाइजेशन भी थोड़ा वो है वो ट्वेंटी थर्टी फोर्टी ट्वेंटी रूल हाँ ये ऐसे रूल्स आते हैं हाँ ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा सो so, ये आई थिंक ओवर सिंप्लीफिकेशन मिस सेलिंग रॉन्ग मोटिवेशन वो आई थिंक दो आर दी नेगेटिव पार्टसिंक इसके अंदर भी रेगुलेटर्स का रोल है या फिर द वर्ल्ड विल सॉटेड सेल्फ आउट लोग समझ जाएंगे क्या सही है क्या था? नहीं इसी क्या है कि इतने रफ्तार से नए लोग जुड़ रहे हैं ना वर्ल्ड विल सॉट इट सेल्फ आउट वाला तो मेरे को डाउटफुल लग रहा है बिकॉज हमेशा यू you नो know, हमेशा कोई ना कोई या हमेशा एक कोहोर्ट ऑफ पॉपुलेशन रहेगा ही जिसको पता नहीं है कि भाई ये गलत है hmm. जैसे अगर आप देखेंगे आ, मैं आपके जरिए से एक बताना चाहता हूँ कि जैसे वाइट है अभी किसी ने कहीं पे एक टेलीग्राम चैनल खोल दिया कि भाई वाइटो का आपको स्टॉक टिप्स दे रहा है और वो खुद जो ख़रीदने वाला है वो आपको टेलीग्राम में बता देगा इंश्योर sure होता होगा कहीं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है तो तो हमको हमने हम हमेशा बार बार पब्लिक नोटिस निकालते हैं कि भाई ये हम लोग ये नहीं करते हमारा ये काम है अगर आपको एक ई आएगा तो इसी आई से आएगा ये सब चीज़ें हम कंटिन्यूसली करते रहते हैं हमारे वेबसाइट पर भी एक ब्लॉकर है बताने के लिए कि भाई हमारा यही ई है यहीं से आएगा ब्ला ब्ला बला तो हमेशा कोई ना कोई तो ऐसे लोग रहेंगे ना यार जिनको पता ही नहीं है कि भाई ऐसा नहीं होता है राइट सो आई थिंक उसका सी mm. और रेगुलेशन का एक फायदा यह भी होता है कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा होगा उसके इम्प्लीकेशन लोगों को पता होने चाहिए mm. अगर रेगुलेशन ही नहीं है तब तो फ्री फॉर ऑल है सर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एज अ लिमिटेशन ऑफ नॉट एबल टू यूज सेलिब्रिटीज राइट ऐसा हाँ तो ऐसा कानून ये बोलता है कि भाई अगर इंडस्ट्री लेवल पे अवेयरनेस के लिए करते हैं mm. तब तो सेलिब्रिटी यूज कर सकते हैं I mean. हाँ, so तो मैसेज जाएगा लेकिन हम लोग हैं जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है वो अपनी ब्रांड या अपना प्रोडक्ट नहीं एडवर्टाइज कर सकती सेलिब्रिटी के जरिए बट वट इज डिफाइन मीडिया उसके ऊपर कानून है ना कि एक मिलियन से ज्यादा अगर आपके फॉलोअर है hmm. तो आप सेलिब्रिटी हैं

बात करते हैं फाइनेंशियल फिटनेस ऑफ इंडिया आर्थिक स्वस्थ भारत ही। ही। तो उसमें कुछ एक दो तो सवाल है कि अगर आ, मैं आई एम 21 22 आई हैव जस्ट स्टार्टेड वर्किंग से 40 थाउजेंड अ मंथ व्हाट इज द स्टार्ट पॉइंट फॉर एन इंडिविजुअल टुडे टू टेक दिस जर्नी ऑफ फाइनेंशियल फिटनेस स्टार्ट पॉइंट मतलब द सूनर यू स्टार्ट इज बेटर सेविंग्स so, जो है मतलब आ, इस पर हम यही बात करते हैं कि वेन इज द राइट टाइम फॉर दैट पर्सन टू गेट इन टू दार्केट टूडे राइट नाउ सी बिकॉज आई आई गिव नाउल एग्जाम्पल देखिए सब लोग क्या बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा दिग्गज और सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर है मिस्टर बाफेट hmm. इनका हर जगह पर जिक्र होता है राइट right? लेकिन आप सोचिए कि ये वाइज ही वन ऑफ द रिचेस्ट क्योंकि भाई तेरह साल की उम्र से लेकर के अभी चौरानवे पचानवे तक ही इज इन्वेस्टिंग अगर आप किसी को बोल दो जैसे इंडिया में आप देखो ना ये सेवेंटी नाइन एटी वो सब छोड़ दो इंडिया का लिबरलाइजेशन हुआ नाइनटीन नाइनटी वन में तो पहला फाइनेंशियल ईयर नाइन्टी टू ईयर नाइन्टी टू से लेके पिछले साल नाइन्टी थ्री तक अगर आप देखोगे सेंसेक्स की कंपाउंडिंग बारह से साढ़े बारह परसेंट है हाँ मतलब इंडिया का जो भी पोलिटिशियन पोलिटिकल सीनारी जो भी पोलिटिकल पार्टी जो भी स्कैम का हमने बात किया मतलब जो भी होना था हो गया बारह तो सेंसेक्स ही कंपाउंड कर दिया तो जो चीज़ बारह परसेंट कंपाउंड कर दिएगा हर छः साल में डबल होती है चलो आप पंद्रह परसेंट कर लोगे आप बहुत ही तो वो तो चलो हर पाँच साल में चार साढ़े चार साल में डबल होएगा आपका काम hmm. चार साल में डबल होएगा पाँच साल में डबल होएगा छः साल में डबल होएगा कितना फास्ट होएगा अल्टीमेटली इट विल डिपेंड ऑन हाउ अर्ली यू स्टार्ट एंड हाउ लॉन्ग यू लिव ये भी आता है ना कि मेड मोस्ट ऑफ इज वेल्थ आफ्टर द एज ऑफ सिक्सटी कंपाउंडिंग का okay. क्योंकि बाई सिक्सटी समझो कि सिक्सटी साल सिक्सटी मुझे पता है सिक्सटी तक उनके पास एक बिलियन डॉलर था hmm. अब समझो बहुत दिग्गज आदमी हर चार साल में पैसा डबल होता है तो सिक्सटी फोर तक दो बिलियन सिक्सटी एट तक चार बिलियन सेवनटी टू तक आठ बिलियन सेवेंटी सिक्स तक सोलह बिलियन हाँ तो ऐसे होगा ना एटी तक बत्तीस बिलियन तो ऐसे ही करते करते तो बंदा पहुँचा दो बिलियन राइट ही इज़ नॉट ट्रेवलिंग फास्टर ही इज़ जस्ट मेकिंग श्योर इज फाइनेंशियली फिट एंड ही इज लिविंग longer. वैसे ही बनता है ठीक है अब भी आपके बारे में बात करते हैं हाउ डज वन बिकम द आशीष माया और वाइट कैपिटल आपकी क्या जर्नी रही है सो so, uh, बहुत लोग बने और बन भी सकते हैं ऐसा कोई खास ऐसा नहीं है बट आई एम हैप्पी वेयर आई एम सो मैं जैसे आई स्टार्टेड माई आई एम बॉर्न एंड ब्रॉटअप इन मुंबई आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड हु हुन किलोमीटर फ्रॉम वेयर ही वॉज बॉर्न आई वॉज बॉर्न इन गोरेगा बॉम्बे आई स्टिल लिव देर एंड मेरी स्कूलिंग वहीं पर हुई है uh, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे लड़के खास करके पहले इंजीनियर बनते हैं फिर सोचते हैं करना क्या है hmm. तो मैं तो एक्चुअली मेरे को पता भी नहीं इंजीनियर होता क्या है एक्चुअली मैं तो जब चार साल का था तभी मेरी सिस्टर को बोलता था मैं इंजीनियर बनूंगा मुझे ऐसा लगता था कि ट्रेन का इंजिन जो चलाता है वो इंजीनियर होता है तो इसलिए ऐसे आया हाँ तो ऐसे किसी कारण से रैंडम रीजन से लेकिन मैं केमिकल इंजीनियर बन गया फिर तब क्या था कि हमारे कंट्री में इंजीनियर को तनख्वाही नहीं देते दे दे थे लोग hmm. तो मैंने डेढ़ दो साल एक फैक्ट्री में काम किया फर्स्ट सैलरी कितनी थी सर फर्स्ट सैलरी पूरे साल की फिफ्टी थाउजेंड होती थी, थी। था। 50, 000, मतलब समझो hmm. महीने का सैलरी फ्रेंड फुल ईयर बस फिफ्टी थाउजेंड मतलब महीने का साढ़े तीन हजार बॉम्बे बॉम्बे में तो नहीं तो बॉम्बे में तो ऑफिस होता था काम तो मैं सिलवासा उमर गांव में फैक्ट्री में आई आई इन प्रोडक्शन फैक्ट्री में काम करता था मैं तो ऑब्वियसली कन्वेंस कंपनी देती थी लेकिन तनख्वाह तीन हज़ार आती थी तभी चलो मुझे लग है मेरा स्टाइफन चार हज़ार था पहला सो <laughs> <laughs> so, हाँ सो so वैसा होता था फिर मैंने डेढ़ साल काम किया फिर एम uh, बी का एंट्रेंस वगैरह दिया uh, फिर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में मार्क्स आ करके इंटरव्यू करके देर आई गॉट इन टू एन तो नर्सिंग मोन जी इंस्टीट्यूट एन में से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनेंस में किया फिर उसके बाद मेरा फर्स्ट जॉब ही अब अब आई सी आई म्यूचुअल फंड बोलते हैं जो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है तब उसका नाम प्रोडेंशियल आई होता था तो नाइनटीन में मैं वहाँ पर पहले समर ट्रेनी था फिर कुछ टाइपेंट पे काम किया प्रोजेक्ट्स किए फिर उन्होंने मुझे रिप्लेसमेंट ऑफर दिया फिर वहीं से तो 99 में जब ट्रेनी था तब से लेके अभी तक आई एम इन द इंडस्ट्री तो मैंने यही काम किया है दूसरा कुछ ज़्यादा मेरे को आता नहीं है सो टॉक इज अबाउट वाई टॉक दैट है तो मैं वाईटोक का सी बना सेप्टेम्बर ट्वेंटी में आई एव बिन सी ई फॉर से वॉट एवर थ्री ईयर्स थ्री मंथस और वाईटॉक जो कंपनी है पहले ऐसा होता था कि नब्बे प्रतिशत इनका जो बिजनेस है जैसे वाईटोक के फाउंडर जो है वो काफ़ी दिग्गज फंड मैनेजर है काफ़ी इनका नाम है इनका नाम है प्रशांत खेम का तो इन्होंने वाईटोक की शुरुआत की जून 2017 में तो बिकॉज और ये वाईटोक स्टार्ट करने से पहले प्रशांत खेम का चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होते थे गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के तो सत्रह साल इन्होंने गोल्डमैन सैक्स में किया है और काम और काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है इनका बिकॉज इन्होंने यू में पैसा मैनेज किया है जैसे कि यू में ये जब फंड मैनेजर थे अपने कार्यकाल में गूगल वगैरह का आई आया था तो ही वॉज आई पी इन्वेस्टर इन गूगल फिर पूरा वहाँ का जो टेलीकॉम स्कैम वर्ल्डकॉम वगैरह हुआ ये इन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है ही रोट अगेंस्ट दैट कि भाई ये गलत है तो इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है फिर इंडिया है फिर गोल्डमैन सैक्स का इंडिया का बिज़नेस सेटअप किया देन ए बी केम सी आया ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स सो वेरी लॉन्ग एंड इलस्ट्रियस ट्रैक रिकॉर्ड इसके बाद इन्होंने वाईटॉक का शुरुआत किया 2017 में तो क्योंकि ये हमेशा एफ़ आई आईज़ का पैसा मैनेज करते थे एज गोल्डमैन सैक्स तो इन्होंने पहले यहाँ पे तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो वाइटोक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एफ आई आई इज़ इन्वेस्टिंग इन टू इंडिया तो हमारा एक काम हमारे कंपनी का एक काम ये है कि दुनिया भर के जो दिग्गज इन्वेस्टर है या बाहर का हमारा म्यूचुअल फंड भी है दुनिया भर का पैसा इंडिया में लगाना तो करीब करीब साढ़े पाँच बिलियन डॉलर हम लोग वर्ल्ड ओवर से इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं तो ये वाईटोक का ओवरऑल बिजनेस है और इंडिया में जैसे मैं डोमेस्टिक बिज़नेस का सी ए हूँ तो डोमेस्टिकली भी हम लोग ढाई बिलियन डॉलर मतलब समझिए इक्कीस बाईस हज़ार करोड़ मैनेज करते हैं इसमें पी एम और अभी हमने पिछले डेढ़ साल में अपना म्यूचुअल फंड भी स्टार्ट किया है और प्रशांत का बैकग्राउंड मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि वो फाउंडर हैं लेकिन बयालीस लोगों की इन्वेस्टमेंट टीम है और इंडिया में कम से कम सात सौ कंपनीज का हम मतलब खुद डायरेक्टली ऑन ग्राउंड रिसर्च कवरेज

दैट आई एम फुली सीज्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा है लेकिन hmm. मैं इसको प्रेशर नहीं बोलूँगा क्योंकि इसके पीछे रूल्स रेगुलेशंस इसके पीछे का किस तरीके से रेगुलेट करना है क्या सिस्टम्स हैं लोग हैं प्रोसेस हैं तो इसके ज़रिए इस सिस्टम पूरा सेफ है मतलब हम लोग तो वी आर एक्चुअली वी आर नॉट नेसेसरीली द बिगेस्ट मतलब ठीक है एफ आई स्पेस में पी एम एस ए आई एफ वी आर द बिगेस्ट बट अगर आप इंडस्ट्री देखें तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये पूरी की पूरी तीन चार चीज़ों से चलती है एक तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है दूसरा प्रोसेस है और तीसरा यू नीड द राइट पीपल ओके कैन यू टॉक द अबाउट द फिलासफी ऑफ वाई टॉक ये मेरे को सवाल आया जब मैंने बोला कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ तो है ना एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर मैं इन्वेस्टर के जरिए से देखूँ तो क्या है कि हमारे यहाँ पे जितने भी डिस्कशंस होते हैं ना द लॉर्ड ऑफ द फोकलॉर इन अवर इंडस्ट्रीज अबाउट स्टॉक पेकिंग स्टॉप भाई देखो उन्नीस सौ अस्सी में दस हज़ार का तो ना क्या हो जाता फलाना, एक हाँ। हाँ। फलाना फलाना आदमी ने ये स्टॉक तो सब करेक्ट है लेकिन एक नॉर्मल एवरेज इन्वेस्टर के लाइफ में ऐसा होता नहीं है राइट और हर कोई तीस चालीस साल तक के लिए इन्वेस्ट कर भी नहीं रहा है वैसे भी तो नॉर्मल इन्वेस्टर तो क्या करेगा वो समझो एक म्यूचुअल फंड में पैसा डालेगा और वो एक्सपेक्ट करेगा कि भाई मैं खुद करूँ या म्यूचुअल फंड के द्वारा करूँ जो मार्केट का एवरेज है उससे मेरे को बेटर रिटर्न मिलना चाहिए करेक्ट तो मैं आपको एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ क्योंकि स्टॉक पिकिंग जो है ना उसको बिल्कुल आर्ट और टैलेंट के hmm. नज़रिए से बताया जाता है उसको इंडिविजुअल ब्रिलियंस के नज़रिए से बताया जाता है लेकिन इंडेक्स को बीट करना hmm. और लंबे अरसे के लिए एक म्यूचुअल फंड में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस लाना दैट इज़ नॉट जस्ट एन आर्ट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टॉक पिकिंग उसमें पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और साइंस बहुत ज़्यादा है तो पहली बात क्या है कि हम लोग का जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है वो पूरे इंडस्ट्री से अलग है ओके वी द वे वी मैनेज आर पोर्टफोलियोज इट इज मेंट फॉर कंसिस्टेंसी इट इज मेंट टू लास्ट लॉन्ग इट इज़ मेंट टू बीट द इंडेक्स बायपेक्टेबल मार्जिन ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ज़्यादा बात स्टॉक पिकिंग की होती है इंडिविजुअल बिलियंस की होती है और जिसका भी इंडेक्स से बेटर परफॉर्मेंस आता है ना जब परफॉर्मेंस बेटर आता है ना तो इंडेक्स से 10-20 परसेंट ज़्यादा आता है और जिसका भी इंडेक्स से 10-20 परसेंट ज़्यादा आता है ना वो साल दो साल के बाद इंडेक्स से 10-20 परसेंट <सथ> पीछे हो जाता है जैसे आप हमारे इंडस्ट्री में लोग क्या बोलते हैं अल्फा नहीं आ रहा आउट परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है और लाइटर नोट मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है ये प्रॉब्लम नहीं है कि आउट परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है अल्फा नहीं आ रहा है प्रॉब्लम यह है कि हर दूसरे साल अलग आदमी का आ रहा है ठीक है सर सर आपकी इंडस्ट्री के अंदर आपकी सैलरी डिस्क्लोज करना पब्लिकली मैंडेटरी होता है क्या कंपल्सरी जहाँ से आप आए हैं और जहाँ आप आज हैं, आई डोंट नो कि आपकी सैलरी डिस्क्लोज है कि नहीं है कंपल्सरी सबका डिस्क्लोज करना पड़ता है पूछ सकता है।, <laughs> <laughs> है मतलब आप तो वेबसाइट पे होते हैं बट uh, सवाल ये था सर कि आपकी लाइफ में क्वेश्चन टू यू वट इज द वैल्यू ऑफ मनी इन योर लाइफ हाँ सो so मैं ये सब मैं ये सब स्कूल ऑफ थाट से हुई नहीं कि मतलब यू you नो know, जो यू नो फिलोसॉफिकल आंसर देते हैं ना कि पैसा हाथ का मैल है वो सब चीज़ें आई थिंक मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो मैनी थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू डू फर्स्ट फॉर योर सेल्फ योर फैमिली योर रेलेटिवस देन सोसाइटी एट लार्ज आई थिंक सी जितने लोग मेरा ऐसा मानना है कि जितने लोग अपने आप को ऐसे पोजिशन पर पाते हैं जहाँ से वो पैसा कमा सकते हैं उनको उस पोजीशन को मैक्सिमाइज करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं होता है करेक्ट और सब लोग सब पैसा खुद के लिए नहीं कमा रहे ऐसा नहीं है राइट इफ़ आई एम से फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव इनफ मनी फॉर माई फैमिली तो आई शुड बी स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग फॉर सोसाइटी राइट क्योंकि हम लोग का मैं आपको फिलासफी नहीं बोला लेकिन हम लोग का जो भी स्टैंडिंग है हम जो भी बनते हैं उसमें सोसाइटी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हम लोग खुद अपने आप थोड़ी सब बन जाते हैं राइट और एक पर्टिकुलर आबादी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उसमें सब लोगों के पास वो वेंटेज पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है जहाँ से वो लोग पैसा बना सके और बना हुआ पैसा मैक्सिमाइज कर सके इसका क्या मतलब है कि जिन लोगों के पास वो वेंटेज पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट है अगर वो लोग मैक्सिमाइज करेंगे तो बाकी लोग तो नहीं कर पा रहे हैं तो आप अगर मैक्सीम करोगे तो बाकी लोगों के लिए कुछ करोगे ना अगर आप इस ब्लाइंड बिलीफ में रहते हो गए यार बाकी लोग भी अपना उनका भी उद्धार हो जाएगा वो लोग भी अपना कर लेंगे एक्चुअली ऐसा नहीं होता है पहले भी मैं, हम लोग कुछ बात कर रहे थे कैपिटलिज्म सोशलिज्म मिक्स करने वाला राइट तो आई थिंक जिन लोगों का एक वेंटेज पॉइंट है उनको मैक्सिमाइज करना चाहिए नॉट फॉर देमसेल्वस बट मैक्सिमाइज करना चाहिए सो दैट दे आर यूजफुल टू दी अदर्स ऑल्सो सो आई थिंक मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी परस्पेक्टिव एंड जिनका पोजीशन है उनको मैक्सिमाइज करना चाहिए और खुद के लिए नहीं तो दूसरों के लिए करना चाहिए अच्छी सो थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू प्लीज स्टॉप वी शुड एंड इट एनी थिंग और आपको बात करनी है तो सर बताइए आपकी मीटिंग आई नो नहीं 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 आई थिंक कवर्ड अ लॉट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू नो एक्सटेंड बोल इज ऑलवेज बेटर आई एक्चुअली फ्रेंकली आई वेंट थ्रू द क्वेश्चन बैट इन रीड ऑल ऑफ देम बिकॉज देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आई क्वेश्चन सर बातों बातों में सब कुछ इधर कबर हो जाता है